साथ मैं नौकरी कर रहा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं सर, आप सीनियर आज मेरे चीफ गेस्ट हैं। तो हम लोग टीचर्स को तो यही सिखाया जाता है कि भाई आप कैसे जिनको आप बुलाते हैं उनको ड्यू रेस्पेक्ट कैसे दिया जाए, यही तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे फिर कॉलेज के। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उस ट्रेडिशन को तो हम लोग पालन करेंगे ही करेंगे सर जी। सर तो सर का जैसा हो क्या स्टार्ट करें, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। सर दो चार शब्द आप बोल दीजिए उसके बाद मैं शुरू कर देता हूँ। ओके ओके सर, जस्ट आई स्टार्ट नाउ सर। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द रिसोर्स पर्सन ऑफ दिस वेबिनार श्री रामेश्वर सिंह जी, जोनल हेड एंड डिप्टी जीएम ऑफ सीटीएस जेके सीमेंट। ऑर्गेनाइजर एंड कन्वेनर ऑफ दिस वेबिनार मिस्टर भूषण कुमार, इज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर मिस्टर राजीव कुमार एंड सिद्धार्थ आनंद। लर्नेड फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस नेशनल लेवल वेबिनार ऑन व्हाइट सीमेंट एंड इट्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी मेंबर आई कैन सिंपली से दैट दिस सीमेंट हैज बेसिक कंपोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम and it is a mixture of basically in proportionate way that limestone and clay these are used as a prominent raw material and oxides of transition elements like iron, chromium, manganese, vanadium, copper, nickel and titanium, this imparts the gray color to the cement. In white cement these raw materials are kept in least percentage just to keep it whitish. And the main product of cement hydration reactions are calcium silicate hydrate and calcium hydroxide. I have simply briefed out the chemical composition of this the cement. The basic purpose is just to make you aware. Or एक अगर आप देखते होंगे जैसे हमें personal level पे मैं सर कह रहा हूँ, अगर सिंह साहब सुन रहे हो तो सिंह साहब तो इसके एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे सर मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं अपने गांव में आसपास देखता हूँ उस तरह के वर्कर को काम करते हुए टू कैरी सीमेंट बैग्स और जिस तरह से अनहाइजेनिक वे में उनको अपना वो मोर्टार मिक्सचर बनाते हुए फिर उसी तरह से फिर वेट कंडीशन में घर जाते हुए, तो मुझे जरूर सर ये चिंता रहती है कि एक पार्ट तो हम लोग पूरा कर रहे हैं इंजीनियरिंग साइड का, इसके एप्लीकेशन से हम अपना घर तो बहुत सुंदर सुंदर बना ले रहे हैं व्हाइट सीमेंट से, जो भी ब्यूटीफिकेशन तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन शायद अभी भी लगता है कि हम लोग उस पार्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो इससे लेबर जो लेबरर जो जुड़े हुए हैं, जो वर्कर जुड़े हुए हैं, शायद हम लोग उस उनके पार्ट पे कुछ नहीं सोचते। और ये केमिकल कंपोजिशन बताने का मतलब मेरा इतना ही था कि इसका जो हेल्थ रिस्क है और जो जिसके जो हैजार्डस जो इसके जो बनते हैं डस्ट, हम अपने जो वर्किंग जो वर्कर्स हैं उनके लिए सर सोचना मैं समझता हूँ इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम इसका जो हमें केमिकल कंपोजिशन और इससे जो डस्ट आता है उसका जो हेल्थ इफेक्ट और इसका जो हेल्थ हजार्ड जो हम समझ पा रहे हैं, ये जो हाई लेवल का डस्ट जो इनहेल करते हैं टू कैरी सीमेंट बैग्स और इसके अलावे वो जो अपना ग्राइंडिंग में वगैरह या इस सब में जो यूज करते हैं, और जो केमिकल कंपोजिशन है जैसे हम सबको पता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो हाईली अल्कलाइन है, इससे कोरोजन कितना होगा, स्किन कितना वो डैमेज करता है, ह्यूमन टिश्यू को डैमेज करता है, उसके बाद आपका जो क्रिस्टलाइन जो सिलिका है वो भी स्किन को एब्रेसिव टू स्किन होता है और ये लंग को डैमेज करता है, और लाइक वाइज क्रोमियम वगैरह जो है ये काफी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो सर हमारा सिंपल इतना ही कहना है कि सर हम लोग एज ए इंजीनियर तो ठीक है हम एप्लीकेशन पार्ट को सोचे ही सोचे, लेकिन हमें वर्क स्टेशन या जहां पे वर्क हो रहा है उसके वर्कर्स के बारे में सर एक बार जरूर सोचे कि उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए कि वो किस तरह से ग्लोव्स का यूज करें, फेस मास्क का यूज करें, और उनको ये बताया जाए कि अगर आप यूज नहीं करते हो तो ये कितना बड़ा हेल्थ हजार्ड आपके लिए क्रिएट करेगा। आखिर समाज का एक बहुत बड़ा स्किल्ड वर्क अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो बहुत अच्छा घर ही बना के क्या। तो मेरा कंसर्न सर इतना ही है कि आप एज एन इंजीनियर जरूर इस पार्ट को, जो बच्चे भी सुन रहे हैं जो इंजीनियर बनने जा रहे हैं और जो हमारे सिंह साहब हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री के मैनेजर भी हैं, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने वर्कर्स को इन चीजों से अवेयर करा करके हाउ टू टेक प्रिकॉशंस
ऑन द हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू क्या प्रिकॉशन बोले उनको, ये बहुत समझा करके हम लोग एक अच्छा इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट उनके लिए भी क्रिएट करें, तो हमें लगता है कि एक ट्रेनिंग के साथ तो और भी जो जो अन्य जो 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 लेबर क्लास के लोग हैं वो थोड़ा अट्रैक्ट भी होंगे कि देखो भाई वहाँ कितना हेल्थ एंड हाइजीन का केयर लिया जा रहा है, हमारे हेल्थ की भी कितने रेगुलर थोड़ा सा चेकअप उन लोगों का करा दिया जाए। सर ह्यूमन लाइफ से बड़ा इससे आई थिंक कि दैट इज द मोस्ट कॉस्टली, वो इनवैल्यूएबल हम उसको मानते हैं। तो सर मेरा इतना ही है, बस मेरा जस्ट मेरा ओपिनियन था इस मौके पे मैं मुझे कुछ कहने का। तो विद दिस इंट्रोडक्टरी रिमार्क आई एंड विथ ऑल माई गुड विशेज आई एंड अप माई लेक्चर हियर and we are honored to invite now our chief guest with a very warm welcome, Mr. Singh Sahab, to just give an insight into on white cement and its value-added product used in building construction. So thank you very much. Thank you, sir. I would like to thank So Singh Sahab, may I request you to just stand? Thank you, sir. मैं फिर से स्वागत करता हूँ बच्चों का, स्वागत करता हूँ जेट तरफ से और फैकल्टी मेंबर्स का भी। सर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं सर। हेलो, हाँ राजीव। हाँ सर, कुछ इशू आ रहा है लगता है। हाँ कुछ आ रहा है टेक्निकली क्या सर? नो सर, कर पा रहे हैं वो सर लेफ्ट कर गए हैं, अभी ज्वाइन हो रहा है, रीज्वाइन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक, ओके।
हेलो हाँ सर ये सर आवाज आ रहा है आपका सर भूषण सर भी लिफ्ट कर गए क्या हेलो यस सर सर स्क्रीन आ रही है अब हेलो सॉरी फॉर इंटरप्शन मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क के चलते आज इधर से हुआ हो मैं फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूं जेके व्हाइट सीमेंट की तरफ से स्पेशली प्रिंसिपल सर फैकल्टी मेंबर्स एंड जो हमारे स्टूडेंट्स जिसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम सिविल इंजीनियरिंग अवेयरनेस प्रोग्राम जो रखा गया है जिसके माध्यम से मैं न्यू प्रोडक्ट्स वैसे सर ने ग्रे सीमेंट के सारे प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया ग्रे सीमेंट की विशेषताएं क्या होती है ग्रे सीमेंट केमिकल कंपोजिशन शेयर कर दिया शॉर्टली मैं कंपनी के अबाउट कंपनी के बारे में बताते हुए मैं सीमेंट चैप्टर पर भी आऊंगा जिसमें ग्रे सीमेंट व्हाइट सीमेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे सीमेंट एंड व्हाइट सीमेंट व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो पॉलीमर मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो आज के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नीडी आइटम है उसके बारे में एक एक करके चर्चा करूंगा सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में मैं जेके ऑर्गेनाइजेशन लगभग 125 साल पुरानी कंपनी है जो कई यूनिट्स को मिलाकर जिसमें सीमेंट टायर्स पेपर पल्प रेडीमेड वूलन टेक्सटाइल डेयरी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक आइटम मिलाकर इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1954 एनुअल टर्नओवर एज ऑन डेट जो 2.5 यूएस मिलियन डॉलर पर एनम वर्कफोर्स मोर देन 30,000 एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के साथ सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं जो कंपनी के बैकग्राउंड हैं जो पिलर्स हैं जेके का नाम जो पड़ा है जेके जोगीलाल सिंघानिया जी एंड कमलापति सिंघानिया जी जिन्होंने 1920 में बिजनेस में अपना अपना पांव रखा था फर्स्ट सीमेंट प्लांट 1975 में गौर हरी सिंघानिया जी ने निम्बेड़ा में डाला था और 1954 में इन्होंने जेके ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें कई यूनिट्स एक साथ काम कर फॉर्मेशन किया था वो आईपी सिंघानिया जी जस्ट 13 अगस्त को इन्होंने इनका देहांत हो गया एट प्रेजेंट हमारे जो अभी मैं अपडेट नहीं किया हूं एट प्रेजेंट जो हमारे एमडी साहब हैं राघवपति सिंघानिया जी वैसे जो आईपी सिंघानिया जी हैं इन्होंने कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले गया आज 1975 से अभी तक 8 प्लांट्स हैं और सबसे बड़ा इनका देन है कि इन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे सुधार और फर्स्ट जो है इंडिया में व्हाइट सीमेंट जो लाने का श्रेय जो हमारे वाईपी सिंघानिया जी को जिन्होंने 1984 में व्हाइट सीमेंट लाया था पैटर्निंग इंडिया ग्रोथ स्टोरी लीडिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री 90 विद विजन एंड इनोवेशन सिंस 1975 फोर ग्रे सीमेंट प्लांट सक्सेसफुली रनिंग इन ए स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट सेटअप इन हरियाणा विद द टोटल कैपेसिटी 10.5 मिलियन टन पर एनम एंड जो वर्ल्ड का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सीमेंट का प्लांट है जिसमें जो ड्यूअल प्रोसेस प्लांट है जिसमें ग्रे और व्हाइट सीमेंट दोनों का प्रोडक्शन किया जाता है जिन्होंने हम लोगों ने दुबई फुजराहो में डाला है प्लांट जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1.2 मिलियन पर टन एनम एंड वॉल पुट्टी जो वैल्यू एडेड जो आज का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आइटम है जो आज की जरूरत है मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कि क्यों जरूरत है क्यों क्या इसकी वैल्यू है क्या इसका एप्लीकेशन है 2.7 मिलियन टन पर एनम अवार्ड्स एंड एक्लेट्स
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हमारे उस कंपनी को जेके सीमेंट लिमिटेड को जो इंडियन सीमेंट रिव्यू अवार्ड्स होता है उसमें हमारे वाईपी सिंघानिया जी को मिला है। इंडियन सीमेंट रिव्यू अवार्ड्स 2016 एल्यूमिनस अवार्ड बेस्ट इंटरप्राइजेज अवार्ड से हमारे कंपनी को हमारे वाईपी सिंघानिया जी को नवाजा गया है। रजिस्टर्ड एंड मार्केटिंग ऑफिस कमला टावर रजिस्टर्ड ऑफिस एंड मार्केटिंग ऑफिस पदम टावर दिल्ली। वाईपी सिंघानिया जी का अगर बिजनेस टुडे बेस्ट सीईओ अवार्ड जो इन सीमेंट इंडस्ट्रीज में फर्स्ट रैंक से नवाजा गया है एंड इन इंडिया 1 to 100 सीईओ का जो कैटेगरी डिसाइड किया गया है उसमें हमारे वाईपी सिंघानिया जी का नंबर जो आता है 28th नंबर आता है। वॉल पुट्टी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आइटम है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, वही कंपनी का अपना प्रोडक्ट है जिसे सुपर ब्रांड स्टेटस का एक अवार्ड होता है उस कैटेगरी में 2019 में हमारे वॉल पुट्टी और व्हाइट सीमेंट को कंसीडर किया गया था। जिसके सुपर सीमेंट ग्रे सीमेंट हमारी कंपनी ग्रे और व्हाइट सीमेंट दोनों बनाती है इस प्रोडक्ट को भी इस आइटम को भी जो प्रेस्टिजियस ब्रांड ऑफ द एशिया 2019 में इस सम्मान भी मिला था और उसके कैटेगरी में हमारे ग्रे सीमेंट को भी कंसीडर्ड क्लास टाइप ऑफ सीमेंट और डिफरेंट ग्रेड की सीमेंट बनाती है हमारी कंपनी पैन इंडिया बेसिस पर हमारा इसका प्रेजेंस है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हाइट सीमेंट एंड वॉल पुट्टी इन द कंट्री एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हाइट सीमेंट इन द वर्ल्ड एंड एंजॉय पैन इंडिया बेसिस। दुबई जो मेरा खुजराहो में जो वर्ल्ड का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट डाला गया जिससे हम ग्रे सीमेंट व्हाइट सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं जहां से मोर देन 42 कंट्री को हम व्हाइट सीमेंट का सप्लाई देते हैं और जो वर्ल्ड के रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं। आज आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि वर्ल्ड में 30 कंट्री ऐसे हैं 30 कंट्री ही केवल आज व्हाइट सीमेंट बना रहे हैं बट सीमेंट लिमिटेड इंडिया के अलावा मोर देन 42 कंट्री को अपना हम प्रोडक्ट व्हाइट सीमेंट स्पेशली व्हाइट सीमेंट जो कि बहुत ही डेकोरेटिव आइटम है स्पेशल टाइप का सीमेंट है इसका सप्लाई हम दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी फर्स्ट प्लांट जेके ने 1975 में निम्बा हेडा में डाला था। मेरे साथ वर्ल्ड का जो लीडर माना जाता जो सीमेंट इंडस्ट्रीज का जो एफएल स्मिथ एंड कंपनी जो डेनमार्क का उसका टेक्नोलॉजी उसका एक्सपर्टीज हमारे कंपनी के साथ इनकॉर्पोरेटेड है मींस कि जो मेरा टोटल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है जिसका नाम है फजियोलॉजी सिस्टम। आप गौर करने वाली चीज है कि 1975 से ही अपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर पैकिंग तक जो सिस्टम है जो रोबो लैब्स ऑटोमेटिक ब्लेन एनालाइजर गामा मैट्रिक्स एनालाइजर जिस सिस्टम से अपने क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया निम्बा हेडा जहां पर मेरा 2 ग्रे सीमेंट प्लांट है मैंगलोर जहां पर मेरा ग्रे सीमेंट प्लांट है गोटन व्हाइट सीमेंट ग्रे सीमेंट एंड वैल्यू एडेड प्लांट्स हैं झारली ग्रे सीमेंट का ग्राइंडिंग यूनिट कटनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वॉल पुट्टी का प्लांट है मुधौल ग्रे सीमेंट का प्लांट है। प्लांट इन यूएई जहां पर मैं फुजराहो में ग्रे सीमेंट 1 million ton पर एनम एंड व्हाइट सीमेंट 0.6 million ton एनम। इंटरनेशनली जो मेरा मार्केट सिनेरियो है जो व्हाइट सीमेंट सोल्ड अक्रॉस यूएई एंड आल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूएई टू फॉलोइंग कंट्री लाइक दैट अरबिया कुवैत मालदीव मलेशिया जापान जॉर्डन बहरीन बांग्लादेश कतार रवाडा श्रीलंका लाइक दैट मोर देन 42 कंट्री को हम अपना व्हाइट सीमेंट एंड कुछ कंट्री को हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सप्लाई दे रहे हैं एज ऑन डेट। प्लांट फैसिलिटी व्हाइट सीमेंट जो फुजरा यहाँ पर 0.6 million ton हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रहे हैं गोटन 0.6 million ton पर एनम एंड कटनी 0.6 million ton। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो मेरा प्रोडक्ट्स है जेके व्हाइट सीमेंट के प्रोडक्ट्स है मैं ग्रे सीमेंट के बारे में भी चर्चा करूंगा ग्रे सीमेंट भी मेरा प्रोडक्ट है लेकिन जो व्हाइट सीमेंट एंड व्हाइट सीमेंट से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वॉल मैक्स सील्ड मैक्स लेवल मैक्स प्राइम मैक्स जिप्सो मैक्स बॉन्ड मैक्स एंड टाइल मैक्स जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आइटम है जो आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं यही नहीं केवल यूज ही नहीं किए जाते हैं इसे गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को काफी एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा सबसे बड़ा चीज है कि जैसे ह्यूमन बॉडी पर क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है उसी तरह से हमारे घरों में मकानों में कंस्ट्रक्शन में भी क्लाइमेटिक इफेक्ट पड़ता है। एक्सेस मॉइस्चर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हवा के साथ जो कार्बन का अटैक होता है जो बिल्डिंग के सर्फेस को जो डिस्टर्ब करते हैं और धीरे धीरे बिल्डिंग के लाइफ को डैमेज करते हैं सारी चीजों से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है बिल्डिंग को सेफ रखता है। और जो कन्वेंशनली जो हम प्रोडक्ट आज यूज कर रहे हैं
उसके कंपेयर में जो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है बिल्डिंग को सेव करते हैं, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को गति देते हैं, बिल्डिंग में लाइफ इनहेंस करते हैं और साथ साथ बिल्डिंग की खूबसूरती को भी डेवलप करते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो क्लाइमेटिक एयर का जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करता है और जो हवा के साथ जो कार्बन का अटैक जो सरफेस पर पड़ता है उस चीजों से ही इससे निजात पाते हैं। व्हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो व्हाइट सीमेंट बेस्ड है, सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के आइटम है। सीमेंट का काम होता है बॉन्डिंग, सीमेंट हमेशा हाइड्रोलिक बॉन्डिंग का काम करता है, जब उसमें पानी मिक्स करते हैं तो उसका सेटिंग से लेकर हार्डनिंग तक प्रॉपर्टी उसमें शुरू हो जाती है। तो सीमेंट जो है जोड़ने का काम करता है, दो मोर देन वन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ता है, मींस बॉन्डिंग का सबसे बड़ा काम है बॉन्डिंग। तो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स है व्हाइट सीमेंट का पॉलीमर मॉडिफाइड्स दोनों ही सरफेस में बॉन्डिंग का काम करते हैं, इससे वर्केबिलिटी हमारा इनहेंस होता है, साथ में फास्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी, इजी हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड पॉल्यूशन फ्री सरफेस प्रोवाइड करता है एंड रेडी टू यूज एट साइट। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रोडक्ट एज पर एप्लीकेशन कंडीशंस। रॉ मटेरियल्स ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, सीमेंट बाइंडर का काम करता है, लाइम भी एंड जिम्सम एंड ब्लेंडेड बाइंडर, फिलर्स में क्वार्ट्स मार्बल एंड ब्लेंडेड ऑफ द लाइट वेट फिलर्स डालते हैं, एडिटिव डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिव डालते हैं जो अपना सेल्फ क्यूरिंग करता है, वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी डेवलप करता है, बाहर के मॉइस्चर को सरफेस में इन नहीं होने देता है, ये सब सारा सब काम है। व्हाई, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द पॉलीमर मॉडिफाइड प्रोडक्ट, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इम्प्रूव वर्केबिलिटी जो जरूरी है क्योंकि सीमेंट जो है फिनिशिंग का आइटम है, इनहेंस एडहेशंस। और एक चीज सबसे बड़ी मैं पहले ही बोलना चाहता था कि जो व्हाइट सीमेंट है, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट में केवल कलर का डिफरेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सेम है, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें हम सावधानियां रखते हैं, परसेंटेज का कंट्रोल करते हैं। और व्हाइट सीमेंट जो है फिनिशिंग आइटम है, जो व्हाइट सीमेंट से बने हुए जो आइटम है फिनिशिंग आइटम है, इसलिए हमेशा बिल्डिंग के टॉप कोटिंग के रूप में हमारे व्हाइट सीमेंट का यूज किए जाते हैं, चाहे वो फ्लोर का हो, वॉल का हो। और कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है जिसमें कई स्टेज में पूरे किए जाते हैं, जब कंस्ट्रक्शन वर्क जब स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट किए गए तो फिनिशिंग का स्टेज आता है। तो फिनिशिंग के रूप में जो हमारे यहाँ जो बिल्डिंग मटेरियल में जो आइटम्स अवेलेबल हैं, पीओपी हैं, व्हाइट सीमेंट है, प्राइमेक्स है, सुसम है, ये लाइक दैट मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। तो एज ए इंजीनियर हमें ध्यान देना है कि कौन सा मटेरियल किस रूप में और किस प्लेस पर क्यों लगाया जाए और लगाने से हमारा क्या बेनिफिट्स है। सर ने एक और सजेशन, हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे जो अनस्किल्ड जो लेबर हैं चाहे स्किल्ड हैं, अगर काम के दौरान अगर सावधानियां नहीं रखेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारे सामने उभर कर दिखता है। तो एज ए इंजीनियर, एज ए वर्कमैनशिप को हमें बहुत ही चाहिए। तो बेनिफिट हो तो पॉलीमर मॉडिफाइड में वर्केबिलिटी, इनहेंस एडहेशंस, हमेशा पेंटिंग के केसेस में जो बिल्डिंग फिनिश करते हैं तो सरफेस के साथ उसका एडहेशंस क्या है, क्योंकि हम ब्रिक लेयर तक छोड़ देते हैं, ब्रिक के बाद प्लास्टर करते हैं, सरफेस में काफी पोरोसिटी जाता है, तो उस सरफेस और दीवार के साथ कितने दिनों तक सटा रहता है। इनहेंस एडहेशंस, टफनेस, फ्लेक्सुरल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू द केमिकल अटैक, इंप्रूव फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर। एंड सबसे बड़ी चीज है कि पॉलीमर मॉडिफाइड मोटर आल्सो रिक्वायर्ड लेस वाटर कंपेयर टू द कन्वेंशनल मोटर, जो ट्रेडिशनल मोटर है, विच रिजल्ट इन मोर डेंस, मोर विद द फ्यूअर पोर्स। टॉपिक ऑफ सीमेंट के हमारे कंपनी के बारे में हो गया। इन वर्ल्ड मार्केट 1824 में व्हाइट सीमेंट का प्रचलन जो जोसेफ स्पाइडन ऑफ द इंग्लैंड फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने खोज किया था, वैसे लेटेस्ट पोर्टलैंड सीमेंट टेक्नोलॉजी जो है डेवलप्ड हुआ एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। सीमेंट का काम है दो पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना। द नेम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पोर्टलैंड स्टोन फाउंड इन द इंग्लैंड बिकॉज हार्डन मास ऑफ द सीमेंट वाज रिसेम्बलिंग टू द पोर्टलैंड स्टोन। व्हाट इज द सीमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द सीमेंट, सीमेंट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द लाइम विद द हेल्प ऑफ सिलिका, सीमेंट इज अ हाइड्रोलिक बाइंडर एंड फाइनली ग्राउंड इन ऑर्गेनिक मटेरियल। पोर्टलैंड सीमेंट आल्सो नोन एज द हाइड्रोलिक सीमेंट बिकॉज दे व्हेन मिक्स विद वाटर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द सेटिंग एंड हार्डनिंग अंडर द वाटर। सीमेंट का वैसे कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसमें वाटर नहीं मिक्स करते, जब वाटर मिक्स करते हैं
तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस रिएक्शंस उसमें शुरू होता है, आगे मैं चर्चा करूंगा। तो इसीलिए सीमेंट का काम करते समय वाटर वाटर का बहुत बड़ा उसके साथ रोल होता है, उसका सीमेंट रेशियो डिसाइड किया गया है। टू मच वाटर रेशियो भी हानिकारक है और कम वाटर देना भी हानिकारक है। वैसे डिजाइन पार्ट में हम सारी चीजों को सीखने को मिलती है। नॉर्मली 18 टाइप्स ऑफ सीमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सीमेंट मोस्टली यूज इन द कंस्ट्रक्शन, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, व्हाइट सीमेंट भी जो है जिसका कलर व्हाइट सीमेंट है, ये भी OPC ग्रेड का सीमेंट है। इसका जो आफ्टर 28 डेज का जो ग्रेड्स है मिनिमम 55 एंड मैक्सिमम 60, मिनिमम 55 एंड मैक्सिमम जो है 65 MPa फॉलो करता है। ब्लेंडेड सीमेंट, आज ब्लेंडेड सीमेंट का काफी महत्व है क्योंकि इसमें वर्केबिलिटी बेटर मिलता है, लॉन्ग रन के साथ स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है, हमें फिनिशिंग ज्यादा मिलता है, सरफेस को पोरोसिटी मिनिमाइज हम करता है और साथ साथ इसमें कैपिलरी एक्शन, बहुत सारी चीजें आगे मैं चर्चा करूंगा। ब्लेंडेड सीमेंट और नॉर्मली जो है सीमेंट्स जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ब्लेंडेड सीमेंट, ब्लेंडेड सीमेंट में फ्लाई एश सीमेंट, क्ले बेस्ड सीमेंट एंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट एंड कंपोजिट सीमेंट। ओवरव्यू ब्लेंडेड सीमेंट वर्सेज ओपीसी सीमेंट, हाउ ब्लेंडेड सीमेंट जो हमारे जो PPC स्लैग सीमेंट्स कंपोजिट सीमेंट्स जो है ब्लेंडेड पार्ट ऑफ द ब्लेंडेड सीमेंट, क्योंकि इसमें फ्लाई एश स्लैग हम एडिशनल मिक्स करते हैं क्योंकि क्योंकि सीमेंट के वर्केबिलिटी के इम्प्रूव, बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं जो मैं एक एक पॉइंट जस्ट लाइक समरी के रूप में रखा हूँ, ब्रीफ में तो कॉलेज में ही पढ़ाया जाएगा। हाउ ब्लेंडेड सीमेंट इज बेटर देन द OPC, फर्स्ट इम्प्रूव रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मेकिंग इजियर टू पंप प्लेस एंड फिनिश द कॉन्क्रीट, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड अदर फ्लूइड्स, मतलब सरफेस में जो पोरोसिटी है उसको मिनिमाइज कर देता है, जो फिनिशिंग बेटर मिलता है, तो जो सरफेस पर कैपिलरी एक्शन के चलते जो पानी का रिसाव जो फ्लो जो भीतर की तरफ इन करता है उस चीज से हमें रेड्यूज मतलब इसमें रिडक्शन मिलता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द क्लोराइड अटैक, डिक्रीज द कोरोजन रेट्स ऑफ द एम्बेडेड स्टील, डिक्रीज द रेजिस्टेंस टू द सल्फेस अटैक एंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एसिड अटैक एंड सुटेबल फॉर द मैरिन कंस्ट्रक्शन। एंड सबसे बड़े मेजर चीजें जो इन फ्यूचर जो बाद में कुछ दिनों के बाद दिखाई देते हैं, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द डिलेड इट्रीगेट इंफॉर्मेशन, जो क्रैक्स वगैरह जो आते हैं उसको मिनिमाइज करता है ब्लेंडेड सीमेंट, क्योंकि इसमें वर्केबिलिटी बेटर मिलती है, फिनिशिंग बेटर मिलता है। एंड सप्रेस डिटोरिएशन एक्सटेंशन ड्यू टू अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन जिसको AAR बोलते हैं। टाइप ऑफ द सीमेंट, बच्चों के समझने के लिए थोड़ा सा मैंने इस चीज को डाला, उसे कॉलेज में तो पढ़ाया ही जा रहा होगा और साथ साथ गूगल्स में सारी चीजें दी हुई हैं। आज कोई भी चीज खोजने की जरूरत नहीं है, अगर आदमी में क्यूरियोसिटी लेवल बच्चों में ज्यादा अच्छा है तो सारी चीजें गूगल से मिल जाती हैं। टाइप ऑफ द सीमेंट मैंने कहा OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड PPC एंड PSC पुजलोना। तो लास्ट में जो OPC ग्रेड के जो सीमेंट है जिसमें केवल क्लिंकर और जिप्सम मिलाया रहता है जिसको मिलाकर OPC बनता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्लिंकर जिप्सम एंड फ्लाई एश मिलाकर PPC एंड क्लिंकर जिप्सम एंड स्लैग में PSC पुजलोना स्लैग सीमेंट। बेनिफिट्स में रिएक्शंस में यहाँ पर है दिखा रहा हूँ। सीमेंट का काम है जब उसमें वाटर मिक्स करते हैं तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन से क्रिया होती है, तो OPC ग्रेड सीमेंट में सिंगल जेल CHS का जेल बनाता है और साथ में CuS2R जिसको बोलते हैं पोर्टलैंडाइट और शेष के रूप में इसकी रिएक्शन नहीं हो पाती है। वही जो PPC ग्रेड वाले सीमेंट है जो ब्लेंडेड सीमेंट है जिसमें फ्लाई एस स्लैग सीमेंट जो मिला हुआ है फिर उसके साथ डबल रिएक्शन करता है और साथ में डबल CHS जेल बनाता है, मींस की जो स्लैग सीमेंट है उसमें डबल जेल बनता है CHS और जो भी अवशेष के रूप में CaOH2 बच जाते हैं उसके साथ वो भी रिएक्शन करके इस जेल में सपोर्ट करता है। मींस की जो OPC जो हमारे ब्लेंडेड सीमेंट है हमारे OPC ग्रेड के रिस्पेक्ट में हमें काफी बेनिफिशियल है, काफी बेनिफिट्स हैं जिसको पीछे के बेनिफिट मैंने पॉइंट वाइज आपको दर्शाया जिसमें हमारा इसमें इम्प्रूव रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जियर टू पम्प प्लेस फिनिश द कॉन्क्रीट, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट जिसमें हमें स्ट्रेंथ में भी इनहेंस मिलता है, परमिबिलिटी जो रेड्यूस परमिबिलिटी ऑफ द वाटर जो अगर पोरोसिटी के चलते जो सरफेस में पोरोसिटी रहता है उसके चलते जो परमिबिलिटी एक्शन जिसको हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं उसको भी मिनिमाइज करता है। सारे मीन्स की OPC ग्रेड्स के OPC के रिस्पेक्ट में जो ब्लेंडेड सीमेंट है काफी वैल्यूएबल है।
normally typical composition of the cement, जो rolls हैं, जो compound है, elite grade, जो टाई कैल्शियम सिलिकेट जिसकी 3S बोलते हैं, जो 50% मात्रा में हम सीमेंट में इसकी मात्रा होती है, जो responsible है अर्ली स्ट्रेंथ गेन के लिए, C2S जिसे हम बेलाइट बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो 20% जिसमें लेटरल गेन स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो C3A जो 10% जो फास्ट हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड जिसको बोलते हैं A4C4AF 8% रिड्यूस द मेल्टिंग टेम्परेचर एंड इम्पार्ट द कलर एंड फिक्सिंग एजेंट, एंड सोडियम पोटेशियम अप टू 2% तक मिक्स करते हैं, जिप्सम डिलेट सेटिंग के लिए जिसका मोर नॉट मोर देन मतलब अप टू 5% इसका रोल होता है जो सीमेंट के सेटिंग रिटार्डर का। स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ कंपेयर ओपीसी पीपीसी पीएससी एंड कंपोजिट सीमेंट नॉर्मली आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम टाइम के साथ 7 days 28 days 56 days 90 days जो हमारे पीपीसी जो ब्लेंडेड सीमेंट है पीपीसी पीएससी एंड कंपोजिट सीमेंट कंपेरेबली जो है स्ट्रेंथ इसमें हमें ज्यादा मिलता है, मींस कि इसमें स्ट्रेंथ हमें काफी अच्छा मिलता है ओपीसी के रिस्पेक्ट में। लाइन चार्ट ओपीसी पीपीसी पीएससी एंड कंपोजिट सीमेंट नॉर्मली कंपोजिट सीमेंट का सबसे बेटर है, उसके बाद पीएससी स्लैग सीमेंट एंड पीपीसी पोजोलोना फ्लाई ऐश सीमेंट एंड ओपीसी, मींस कि ओपीसी के रिस्पेक्ट में जो अदर्स जो हमारे ब्लेंडेड सीमेंट्स हैं उसका जो स्ट्रेंथ जो है समय के साथ धीरे 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 हमें उसमें स्ट्रेंथ भी बेटर मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द सीमेंट ग्रे सीमेंट या व्हाइट सीमेंट हो, रॉ मटेरियल माइनिंग क्रश माइन बोल्डर्स को क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड के बाद उसमें जो किलने के टेम्परेचर कम टेम्परेचर को मेंटेन करने की स्पेशली सीमेंट के केस में 1400 से 1500 सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, किलनी ऑपरेशन कम्प्लीट होने के बाद क्लिंकर तैयार होता है, और सीमेंट ग्राइंडिंग करते समय हम उसमें जिप्सम मिलाते हैं अप टू 5% तक पैकिंग एंड प्रोसेस। अब इस स्टेप से पूरा अब ध्यान से समझेंगे, स्टेप फर्स्ट माइनिंग, माइनिंग से बोल्डर लाते हैं जहां पर हम क्रशिंग क्रशर मशीन में उसको क्रश करते हैं, बोल्डर 90 mm डाउन में हम उसको क्रश करके चिप्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद फ्यूल प्रिपरेशन स्पेशली व्हाइट सीमेंट एंड ग्रे सीमेंट, व्हाइट सीमेंट के केस में हम ब्लास्ट फर्नेस ऑयल एंड पेट्रोकॉक से फायर करते हैं, और जनरली जो है ग्रे सीमेंट के केस में नॉर्मल कूल से हम फायरिंग करते हैं। ऑपरेशंस में यहाँ क्लिंकर हमारा बनता है, टोटल कच्चे माल को पका कर हम क्लिंकर में डेवलप क्लिंकर में हम बनाते हैं, क्लिंकर को फिर हम ग्राइंड करते हैं जिप्सोमैक्स मतलब जिप्सम मिलाकर, उसके बाद पैकिंग एंड लोडिंग जो मींस कि जेके का जो सिस्टम है, मैं अपनी अपने प्लांट का मैंने फोटो रखा है, मेरा टोटल जो प्लांट है जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है टोटल फुल्ली फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर केवल फर्स्ट स्टेप वाला जो है हम लाते हैं, इसके बाद सारा स्टेप क्रशिंग से लेकर एंड पैकिंग तक फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है। हिस्ट्री ऑफ द व्हाइट सीमेंट इन वर्ल्ड मार्केट 1926 में व्हाइट सीमेंट का प्रचलन हुआ था, बट जेके ऐसी कंपनी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एफ एल स्मिथ एंड कंपनी इस देश को इस हिंदुस्तान को व्हाइट सीमेंट का टेस्ट चखाया, जो आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका वैल्यू काफी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नीडी आइटम है, तो स्पेशल टाइप का सीमेंट है, डेकोरेटिव आइटम है, सीमेंट में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आके चर्चा करूंगा। प्रोसेस है पहला रॉ मटेरियल का व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट में केवल जो लाइम स्टोन होता है स्पेशली कार्बन आयरन ऑक्साइड एंड MgO की मात्रा को इसमें हम कंट्रोल करते हैं नॉर्मली, और सारे भी जो हमारे कंपोनेंट है स्लाइटली डिफरेंसेस एवरेज में रहते हैं, आगे मैं चर्चा करूंगा। क्वेंचिंग क्वेंचिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पर 1500 से 1600 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं कच्चे माल को पकाने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर को डाउन करते हैं 100 सेंटीग्रेड तक लाते हैं, जहां पर वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है जिसमें वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि व्हाइट सीमेंट हमारा कॉस्टली है। टिपिकल रॉ मटेरियल जो सीमेंट के जो टिपिकल रॉ मटेरियल है लाइम स्टोन, उसे शॉर्ट में हमारे प्रिंसिपल सर ने शेयर कर ही दिया था इनिशियल में, टिपिकल रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट लाइम लाइम स्टोन सैंड साले क्ले आयरन ओर्स, बेसिक केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट जो
ओपीसी ग्रेड के जो सीमेंट हमारे कैल्शियम सिलिकॉन एल्यूमिना एंड फिर आयरन टेस्टिंग जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो केमिकल रिक्वायरमेंट एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट, जो हम इस चीज को टेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ इग्निशन, इनसोलेबल रेसिड्यू, एसओ थ्री, सोडियम पोटेशियम, मैग्नीशिया, लाइम सैचुरेटेड फैक्टर एंड एल्यूमिना रेशियो, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, स्पेशली व्हाइट सीमेंट के केस में व्हाइटनेस की जरूरत होती है, इसलिए व्हाइट सीमेंट का व्हाइटनेस का टेस्ट करते हैं, ग्रे सीमेंट में भी टेस्ट करते हैं, ग्रे का टेस्ट करते हैं, फाइननेस एक बहुत बड़ा इसका पार्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, साउंडनेस, सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम सीमेंट में टेस्ट करते हैं, जो या किया होगा या करना होगा। इस लाइन को एकदम गौर से ध्यान दिया जाए, एलिमेंट्स जो है टिपिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट, ग्रे सीमेंट व्हाइट सीमेंट का, इसमें आप देखेंगे कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का जो मात्रा है ग्रे सीमेंट के रिस्पेक्ट में बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, मींस कि हम 0.1 to 0.2% ही रखते हैं, क्योंकि व्हाइटनेस के लिए, व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैगनीज ऑक्साइड्स इन व्हाइट सीमेंट 0.08%, बट इन ग्रे सीमेंट 1 to 1.3%, 1 to 2% तक अलाउड है, आयरन ऑक्साइड 2, 3 to 4 up to 6% तक अलाउड है, जबकि BIS कहता है कि अगर सीमेंट अगर 70% व्हाइट है तो उसको व्हाइट सीमेंट के केस में कंसीडर किया जाता है नॉर्मली, और सारे भी जो एलिमेंट्स हैं स्लाइटली डिफरेंसेस है परसेंटेज में तो सेम है, डिफरेंस इन व्हाइट सीमेंट एंड ग्रे सीमेंट प्रोडक्शन एस्पेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल में जो फ्री आयरन फ्री लाइमस्टोन हम व्हाइट सीमेंट के केस में यूज करते हैं, जिसमें लेस देन 0.1 to 0.15% ही हम अलाउड करते हैं, जिम्सम क्रिस्टलाइन ग्रेड का और सैलिनिटी ग्रेड का हम यूज करते हैं, टू मच कॉस्टली प्योरेस्ट एंड इन ऑर्डिनरी जिम्सम जो है हम ग्रे सीमेंट में यूज करते हैं, फ्यूल फायरिंग मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि फर्नेस ऑयल एंड पेट्रोकॉक जो है टू मच कॉस्टली कंपेयर टू द कोल, बट जबकि ग्रे सीमेंट में ऑर्डिनरी कोल से हम फायर करते हैं, बर्निंग प्रोसेस जो टेम्परेचर को कच्चे माल को पकाने के लिए जो भी मिक्स मटेरियल है उसको हम पकाने के लिए इसमें इसका प्रोसेस बर्निंग प्रोसेस जो है बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फिर टोटल टेम्परेचर को क्वेंचिंग मेथड से जो बहुत लंबा समय लेता है 100 सेंटीग्रेड तक उसको हम लाते हैं, जिसमें ताकि हमारे सीमेंट में कलरिंग इम्प्योरिटीज भी नहीं कर पाए और हमारा सीमेंट सेफ रहे इन ऑल टेक्निकल पैरामीटर्स, जबकि ग्रे सीमेंट में हम बहुत ही फास्ट प्रोसेस से हम काम करते हैं। व्हाट मेक्स व्हाइट सीमेंट इज व्हाइट, क्योंकि ऑक्साइड मेक्स नॉर्मल सीमेंट ग्रेइश या ब्राउन, ऑक्साइड्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एंड MgO इन व्हाइट, स्पेशली इन व्हाइट सीमेंट केसेस जो रिकमेंडेड लिमिट है, फेरिक ऑक्साइड लेस देन 0.4%, मैग्नीज ऑक्साइड लेस देन 0.2% एंड क्रोमियम ऑक्साइड 0.01% एंड मैग्नीज़ियम जो 0.3% है, हम व्हाइट सीमेंट के केस में अलाउ करते हैं। फॉर आपके नॉलेज के लिए, कलर का सीमेंट के स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जस्ट लाइक जो ये जो कंपाउंड है, जो केमिकल कंपाउंड है, अगर इसमें थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ जाती है तो सीमेंट के टोन में चेंजेज आते हैं। अगर सीमेंट ग्रीन ब्राउनिश कलर का भी है व्हाइट सीमेंट, तो उसके सारे उसके प्रॉपर्टी जो है स्ट्रेंथ है, फाइननेस पर उसका कोई डिफरेंस नहीं, मतलब सिस्टम पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। व्हाई व्हाइट सीमेंट इज व्हाइट सीमेंट, स्पेशली फॉर JK का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ड्यू टू वेस्ट रॉ मटेरियल, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन हम लोगों ने व्हाइट सीमेंट का प्लांट डाला था, इसलिए जो रॉ मटेरियल स्पेशली जो गोटन का लाइम स्टोन है, अदर्स प्लेस पर लाइम स्टोन व्हाइट सीमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, ग्रे सीमेंट के लिए सुटेबल है। जो आज देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं JK और बिरला के अलावा दोनों, और उसके अलावा और भी कंपनियां व्हाइट सीमेंट के फील्ड में इंटर नहीं कर पाई, नहीं अपना प्लांट नहीं डाल पाई, क्योंकि उन लोगों के पास व्हाइट सीमेंट नहीं है, क्योंकि व्हाइट सीमेंट का जो रॉ मटेरियल बहुत स्पेशल टाइप का क्ले JK के पास अपना माइंस है, जो अपने दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो रॉ मटेरियल का जो सिलेक्शन है अपने पास है, जिसके चलते हमारा व्हाइट सीमेंट बेटर व्हाइट रहता है ड्यू टू ऑप्शन ऑफ द कलरिंग। जो गोटन का माइंस है जहाँ लाइम स्टोन है वहाँ कलरिंग इम्प्योरिटी जो है कम मिलता है। फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हाइट सीमेंट, जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो व्हाइट सीमेंट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज पर BIS स्टैंडर्ड, वैसे एज पर IS स्टैंडर्ड 8042/2050 में इसका नमक हुआ था, जो BIS की
BIS स्केल पर जो व्हाइट सीमेंट का मिनिमम जो व्हाइटनेस है 89 एंड मिनिमम 92 हंटर स्केल पर, तब एक मिनिमम अगर 70% सीमेंट व्हाइट है तो उसको व्हाइट सीमेंट के कैटेगरी में कंसीडर किया गया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 डेज 14 डेज एंड 28 डेज मिनिमम जो हमारा जो स्ट्रेंथ है व्हाइट सीमेंट का मिनिमम आफ्टर 28 डेज एंड 1 डेज का जो व्हाइट सीमेंट का स्ट्रेंथ है 32 MPa आता है एंड मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है जो मैक्सिमम जो है मोर देन 65 फॉलो करते हैं हम लोग। फाइनेस जो इसके वर्केबिलिटी से स्ट्रेंथ से फैलाव से मिनिमम जो है 32 टू 4000 cm स्क्वायर पर ग्राम, जबकि BIS 2250 cm स्क्वायर पर ग्राम अगर फाइन है तो व्हाइट सीमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। सेटिंग टाइम जो कि हर सीमेंट में ग्रे सीमेंट व्हाइट सीमेंट में मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 600 एंड जो जीकी का जो नॉर्मल है जैसे कि सीमेंट है फिनिशिंग का आइटम है इसमें फिनिशिंग में वर्केबिलिटी चाहिए तो हम मिनिमम जो है 45 एंड मैक्सिमम 150 मिनट में व्हाइट सीमेंट का हम काम कर सकते हैं। साउंडनेस जो एजिंग ऑफ लाइफ स्ट्रेंथ से रिलेटेड है एज पर IS स्टैंडर्ड एज पर JK स्टैंडर्ड में फुल्ली परफेक्ट व्हाइट सीमेंट एक डेकोरेटिव सीमेंट है जिसे हम बहुत सारे पर्पस यूज करते हैं जो बहुत ही स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से इसे मैन्युफैक्चर किया गया जिसमें स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड सरफेस को लाइफ प्रोवाइड करता है। फिनिशिंग का आइटम है जिसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में हम यूज कर सकते हैं जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो पार्ट हैं इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल में हम यूज कर सकते हैं, सेलिंग में मोजैक टाइल्स टेरेजो फ्लोरिंग व्हाइट सीमेंट बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो कि आगे मैं चर्चा करूंगा। मीन्स कि इस बिल्डिंग में हम एज ए प्राइमर यूज करेंगे, पेंट के रूप में यूज करेंगे, फ्लोरिंग में व्हाइट सीमेंट फ्लोरिंग के रूप में यूज करेंगे जिसमें मोजैक टाइल्स टेरेजो फ्लोरिंग एंड व्हाइट वॉश के रूप में हम और अदर्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे वॉल पुट्टी मैंने बताया, प्राइमेक्स बताया, शील्डमेक्स बताया, इस सब प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करने में व्हाइट सीमेंट का उपयोग करते हैं। व्हाइट सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द आर्किटेक्चरल पर्पज से बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम में भी हम व्हाइट सीमेंट का उपयोग करते हैं। इसके साथ हम फाइन एग्रीगेट्स मिनिमम जो है 20 एम डाउन का एग्रीगेट्स जो है बेस्ट एप्लीकेशन के लिए जो एडवाइजेबल है। फर्दर एट द सीमेंट कंटेंट्स लो कंटेंट्स ऑफ द अल्कली, इट इज नॉट लायबल टू कॉज द स्टेनिंग। व्हाइट सीमेंट के ऊपर किसी तरह का काई धब्बे वगैरह नहीं बैठते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द व्हाइट सीमेंट बिल्डिंग में जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होता है तो फिनिशिंग के स्टेज में वॉल फिनिश करना पड़ता है, फ्लोर भी फिनिश करना पड़ता है। डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में भी हम व्हाइट सीमेंट का यूज करेंगे, सीमेंट पेंट के रूप में भी हमारा व्हाइट सीमेंट का यूज होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल पर्पस में हम व्हाइट सीमेंट का यूज करते हैं। टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हाइट सीमेंट कैन बी लाइक दैट, मैं एक चीज में शेयर करूंगा, राइट साइड का जो टॉप प्राइमिक्स मोर्टार जो आज कंस्ट्रक्शन में जो बहुत सारी प्रॉब्लम जो दिखाई देती है, वैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है और चेंज और चेंज करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उसको गति देने के लिए उसको लाइफ देने के लिए बहुत सारे गुड क्वालिटी मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा ब्रांड मटेरियल है जो अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव इनहेंस करता है। आज जो कन्वेंशनल तरीके हैं जो मार्केट में जो काम करने के जो ट्रेडिशनल तरीका है जो ट्रेडिशनल मटेरियल जो अवेलेबल्स हैं, हमेशा इंजीनियर एज ए कंसल्टेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहिए जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी सीमेंट प्रोडक्ट जो भी है जो क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पर वो बनाए जाते हैं। तो ड्राई मिक्स मोर्टार है नॉर्मली जो आज इंडिया का जो GDP है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का उसका 30-45% आज ड्राई मिक्स मोर्टार का डिमांड बढ़ गया है, डिमांड हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है। आने वाले समय में इसका डिमांड काफी बढ़ रहा है क्योंकि इसमें वर्केबिलिटी बेटर मिलता है, प्रोडक्ट एज पर साइड डिजाइन इजी टू वर्किंग है, इजी टू प्लेसिंग है, इजी टू रख रखाव है, तो सारे प्रोडक्ट इसमें मिले रहते हैं, केमिकल्स वगैरह सारे मिले रहते हैं। आज कन्वेंशनली अगर हम मकान बनाते हैं अपने ही घर में अगर हम मकान बनाते हैं तो ब्रिक लाते हैं मार्केट से, उसको अलग स्टैक करके रखते हैं, सीमेंट अलग रखते हैं स्टैकिंग करके, सीमेंट अलग रखते हैं, सैंड अलग रखते हैं, चिप्स अलग रखते हैं। तो आने वाले समय में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो आज जो लाइक कर रही है और जो जिसमें डिमांड वर्ल्ड मार्केट में भी इसका काफी वैल्यू है,
तो ड्राई मिक्स मोटर का मार्केट काफी बढ़ने वाला है। इसमें इसका बिजनेस इसका डिमांड काफी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को काफी बहुत सहूलियत मिल रही है और सारा चीज इसमें मिक्स है। इसमें रख रखाव में भी है, टाइम का सेविंग है, कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, लाइट वेटेड प्रोडक्ट है, इसमें हम इससे बना पाते हैं ताकि बिल्डिंग के डेड लोड को भी कवर कर कंट्रोल करने में हमें सहूलियत मिलती है। तो हम लाइक दैट दिस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट को हम काफी प्राथमिकता आज हमारे इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी मिल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ द व्हाइट सीमेंट फ्लोर के केसेस में, मोजेक टाइल्स, टेरेजो फ्लोर, मार्बल फ्लोर एंड पेवमेंट फ्लोर, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर जो है, डिफरेंट वे में हम अपने फ्लोर को तैयार करते हैं। तो जो सीमेंट बेस्ड फ्लोर है जिसमें मोजेक टाइल्स, टेरेजो फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग एंड पेवमेंट ब्लॉक के रूप में फ्लोर को हम तैयार करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स जो नेचुरल फ्लोर्स, नेचुरल फोटो लिया हुआ है, मींस कि हम व्हाइट सीमेंट से कैन भी हम फ्लोर में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन कर सकते हैं। अरे मीटिंग में है, मीटिंग में बाद में बात करेंगे। वॉल के केसेस में साइन फेस प्लास्टर जो कि एंटी फंगस सरफेस प्रोवाइड करता है, व्हाइट वाश हम करते कर सकते हैं, स्पॉन्ज फिनिश प्लास्टर, एक्सपोज एग्रीगेट प्लास्टर, सीमेंट पेंट के रूप में हम व्हाइट सीमेंट का यूज करेंगे, टेक्सचर प्लास्टर के रूप में भी हम व्हाइट सीमेंट का यूज करेंगे। जस्ट लाइक एप्लीकेशन ऑफ द व्हाइट सीमेंट डेकोरेटिव पर्पस है, जो चाइना मोजैक, ग्लास मोजैक, एरिया मेकर्स एंड जीआरसी, जो जीआरसी प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक हम इसमें व्हाइट सीमेंट, जिक्की वगैरह कुछ रेडीमिक्स मोटर है जो लाइट वेटेड है, बिल्डिंग में हम डेड लोड को कंट्रोल करेंगे, लॉन्ग लाइफ सरफेस प्रोवाइड करता है, इजी टू वॉश है, इजी टू पेंट है एंड एंटी फंगस सरफेस इस एप्लीकेशन के द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं। सम बिल्डिंग का जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेंटिंग की स्टेज आती है। पेंटिंग के रूप में जो आज मार्केट में अवेलेबल है, वॉल पुट्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी के डिफरेंट टाइप ऑफ पुट्टी, पेंट्स, एक्रेलिक पेंट, सीमेंट पेंट्स, प्राइमर। तो एज ए इंजीनियर चैलेंज इन पेंटिंग सीमेंटेशियस सरफेस, जब हम सीमेंटेशियस सरफेस में जब पेंटिंग करने जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े रहते हैं। अगर उसको केयरफुली नहीं मॉनिटर किया जाए, ध्यान न दिया जाए, तो हमें आफ्टर एप्लीकेशन अच्छे प्रोडक्ट लगाने के बाद भी समस्याएं आते जाते रहती हैं। तो पोरोसिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो सरफेस के जो ब्रिक सरफेस को जो पोरोसिटी होता है उसको सील नहीं करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस रिएक्शंस डेवलप होंगे सरफेस पर, बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप होंगे, बिल्डिंग में एक्सेस मॉइस्चर डेवलप होंगे, पुअर अल्कली रेजिस्टेंस जो कि एक्सेस वाटर के चलते, क्योंकि फ्रेश मशीनरी लाइकली टू कंटेन लाइम विच इज वेरी अल्कलाइन अंटिल द लाइम हैज चेंज द रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जो हवा से जो कार्बन CO2 जो एंड अल्कलिनिटी ऑफ द मशीनरी रिमेन्स सो हाई दैट इट कैन बी अटैक द इंटीग्रिटी ऑफ द पेंट फिल्म। जब उसको ऊपर हम पेंट करते हैं, अगर सरफेस में अल्कलिनिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, जो एयर के साथ जो कार्बन ऑक्साइड से जो एक्शन हो, तो उसमें हम बहुत सारी समस्याएं हमको मिलती हैं। इफोरेंसेस भी बहुत बड़ा समस्या है, जो एक्सेस वाटर के चलते व्हाइट साल्ट डिपोजिटेड इन द ऑन सरफेस लिस्ट फ्रॉम द मोटर या मशीनरी, वाटर पासेस थ्रू द हीटर एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक दैट ब्लिस्टरिंग पेंट, मतलब ये सब चैलेंज है। मीन्स कि एज ए इंजीनियर, एज ए कंसल्टेंट, जब हम पेंटिंग के स्टेज में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करनी होती है और प्रोडक्ट का भी सिलेक्शन उसी हैसियत से करना पड़ता है जो वहाँ के लिए सुटेबल हो। तो आज के डेट में जो प्रोडक्ट, जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो वॉल पुट्टी, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में मैं पीछे स्लाइड्स में बताया कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जो इसमें बेटर एडिशंस मिलता है, और जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे अल्कली वाले, पोरोसिटी वाले, इफोरेंसेस वाले, जो कार्बन अटैक होता है, उसको झेलने का क्षमता जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी है। तो एज ए पेंटिंग के रूप में एक्सटीरियर इंटीरियर में हम वॉल पुट्टी का सिलेक्शन करते हैं। मार्केट में कई तरह के वॉल पुट्टी हैं, आगे चर्चा करेंगे, जो कि जेके का वॉल पुट्टी, वॉल मैक्स। सबसे बड़ा पर्पस इसका है कि हम एक कोट प्रोवाइड करते हैं जो पोरोसिटी वाले सरफेस पर बोथ साइड में, जो सील कर देता है सरफेस को और क्लाइमेटिक अटैक से बिल्डिंग को सेफ रखता है, और साथ में क्योंकि व्हाइट सीमेंट है और इसमें हाई एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ पॉलीमर्स डाला गया है जो कि दोनों ही बॉन्डिंग का काम करते हैं सरफेस के साथ। व्हाइट सीमेंट भी वर्क एज ए गुड बाइंडर एंड पॉलीमर्स भी वर्क एज ए गुड बाइंडर, और सबसे बड़ा सेल्फ क्यूरिंग करता है, सेल्फ मॉइस्चर को
अपने भीतर एडजस्ट करके रखता है और जो बाहर के मॉइस्चर होते हैं उसको अपने भीतर एब्जॉर्ब नहीं होने देता, मतलब सरफेस के पोरोसिटी को भी सील कर देता है, जिसके चलते हमारा बिल्डिंग सेफ रहता है, सरफेस नमी फ्री रहता है। और जबकि जरूरी है जो फाइनल टच जो पेंट कोटिंग होता है उस केस में पेंट के लिए एक अच्छा बेस का काम करता है। मीन्स की जब हम सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक बेस कोट मिलता है, ड्यूरेबल बेस कोट मिलता है, जो फ्लैकिंग गिव एडिशनल स्ट्रेंथ टू द मोटर, सरफेस को भी, सरफेस के मोटर को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। और जो इन मॉइस्चर इन जब जब सरफेस में जब मॉइस्चर आता है तो उस केस में सरफेस का डिटैचमेंट नहीं हो पाता है। तो अपने प्रोडक्ट का जो फीचर्स हैं, क्यों इसका क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, फीचर्स है कि स्मूथ फाइन पाउडर है जो कि व्हाइट सीमेंट एंड पॉलीमर मॉडिफाइड पाउडर है, गुड टेंसाइल एडहेशन स्ट्रेंथ विद द सरफेस, सरफेस के साथ इसका जो एडहेशन है, जो पकड़ है, जो मजबूती है, एक बेटर है इसके साथ, क्योंकि गुड क्वालिटी के वॉल पुट्टी के लिए जो जो टेंसाइल एडहेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए मोर देन 1 MPa होना चाहिए, जबकि नॉर्मल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट लोकल मार्केट में लोकल प्लेयर अवेलेबल है, बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, इसका आप टेंसाइल एडहेसिव स्ट्रेंथ अगर मांगेंगे या चेक करेंगे तो 0.5 to 0.6 से ज्यादा नहीं मिलता है। सेल्फ क्योरिंग सर्फेस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट जो है अपना क्योरिंग सेल्फ करता है, नो क्योरिंग रिक्वायर्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डैम्प रेजिस्टेंस है, जो एक्सेस मॉइस्चर जो क्लाइमेट से जो सरफेस जो गेन करता है उसको रोकता है, स्टॉप कर देता है, मतलब डैम को रजिस्ट करता है, मतलब रोकता है। बेनिफिट्स, स्मूथ एंड ग्लोजी फिनिश टू द रफ सरफेस, जो प्लास्टर सरफेस जो रफ होता है उसमें ग्लोजी फिनिश स्मूथ फिनिश सरफेस प्रोवाइड करता है जो देखने में बहुत बेटर लगता है। रजिस्ट फ्लैकिंग एंड पीलिंग, जब एक्सेस मॉइस्चर के केसेस में जो सरफेस के साथ जो डिटैचमेंट होता है जिसको हम लोग फ्लैकिंग कम आउट फ्रॉम द सरफेस जो प्रोडक्ट जो छोड़ने लगता है उसे उसको मिनिमाइज कर देता है, कंट्रोल करता है। पीलिंग को भी कंट्रोल करता है, नो क्यूरिंग रिक्वायर्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, लॉन्ग पेंट लाइफ, जिसके चलते सरफेस का पेंट लाइफ बना रहता है। टेक्निकल हर प्रोडक्ट का, सीमेंट प्रोडक्ट का कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, क्योंकि एज इंजीनियर हमें टेक्निकली डिसाइड करनी पड़ती है, हमें टेक्निकली एनालिसिस करना पड़ता है कि प्रोडक्ट का टेक्निकल पैरामीटर्स क्या है। व्हाइटनेस 90.4%, फाइन 0.056 cm² पर ग्राम, मीन्स की 5600 cm² पर ग्राम, एक ग्राम का फैलाव में 5600 cm² का इसका कवरेज कवर करता है। बल्क डेंसिटी, सेटिंग टाइम, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट है, जो वाटर मिक्स करेंगे इसमें हमें वर्केबिलिटी, जब प्रॉपर वर्केबिलिटी मेंटेन करने के लिए जिसको हम लोग पॉट लाइफ बोलते हैं, तो हम 2-3 से 3.5 घंटे तक इस प्रोडक्ट को मिक्स करने के बाद हम फिनिश कर सकते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम 325 मिनट के बाद शुरू होता है और फाइनल जो है 420, मतलब वही 500 के बाद फाइनल सेटिंग हो जाता है। वाटर रिटेंटिविटी, वाटर रिटेंटिविटी का मतलब 100% वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी, इसमें कुछ केमिकल्स डाले गए हैं, व्हाइट सीमेंट जो सिलिकेट्स जो व्हाइट सीमेंट फिलर्स के रूप में, और वाटर रिप्लेंसी का जो काम करता है MSC पाउडर होते हैं, RD पाउडर होता है जो कि सेल्फ क्यूरिंग करता है और क्लाइमेटिक इफेक्ट में जो सरफेस पर अट्रैक्ट करता है उसको सेव करता है। बहुत सारे केमिकल्स और एडिटिव्स डाले जाते हैं जिसमें एडहेशंस डेवलप करता है, सरफेस को फिनिशिंग देता है। तो यही सारी चीज़ें इसके केमिकल पैरामीटर्स हैं। टेंसाइल एडहेसिव स्ट्रेंथ जो है हमारा 1.18, जबकि गुड क्वालिटी के वॉल पुट्टी के लिए जो वैल्यू एडेड वो मोर देन 1 MPa होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वर्टिकल सरफेस पर ज्यादा रोल नहीं है, मिनिमम जो है 6 MPa हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है। एप्लीकेशन में जो कॉस्ट, एक बहुत बड़ा कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एज इंजीनियर प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी यूज करके हम बेटर क्वालिटी, बेटर एप्लीकेशन, बेटर गाइडेंस में हम यूज करके हम बहुत सारे चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि आज ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम गुड क्वालिटी के लिए गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस जरूरी है, गुड क्वालिटी मटेरियल जरूरी है, गुड गाइडेंस जरूरी है, ताकि हम फ्यूचर को डैमेजेस से बचा सकें। नॉर्मली जो हमारे वॉल पुट्टी का जो कॉस्ट आता है, मटेरियल कॉस्ट 2 रुपये 2.25 रुपये पड़ता है, लेबर डिपेंड करता है, प्लेस वाइज डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स जो लेबर चार्जेस होते हैं। तो नॉर्मली जो बिहार झारखंड और जो हमारे एरिया के जो रेट में 5 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट वॉल पुट्टी का कॉस्ट बैठता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भी है थीन प्रोडक्ट है, लाइट वेटेड प्रोडक्ट है, जो सरफेस में लाइफ प्रोवाइड करते हैं, शाइनिंग प्रोवाइड करते हैं और पेंट के लिए एक अच्छा बेस का काम करता है।
उस बिल्डिंग से जहां पर हमारे वॉल पुट्टी लगे हुए हैं। आइटम को गवर्नमेंट के आइटम में भी अप्रूव कराया गया है, डीएसआर दिल्ली शेड्यूल रेट जो सीपीडब्ल्यूडी बेस पर किया जाता है उसमें इस आइटम को इनकॉर्पोरेट करा दिया गया है, जो जिसमें रेट वगैरह सारा शील्ड मैक्स अंदर टाइप ऑफ वॉल पुट्टी, स्पेशल टाइप ऑफ वॉल पुट्टी जो कि यूनिवर्सल वाटर प्रूफ पुट्टी नाम जो दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि सब पर्पस लाने का वॉल पुट्टी का है कि सरफेस में जो डैम के चलते जो इफ्लुएंसेस वाली समस्या आती है, मॉइस्चर ज्यादा बढ़ जाता है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन है, इस सारे इसके फीचर्स में मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, सरफेस में मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है, मतलब रिपेल करता है, सरफेस के ऊपर अपने ऊपर सटन नहीं देता है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन है, इफ्लुएंसेस है, रेजिस्टेंस मल्टीपर्पज एप्लीकेशन से इनसाइड आउटसाइड एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, बिल्डिंग में कच्चा सर्फेस में पावर दे सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं, पेंट के लाइफ को इनहेंस कर सकते हैं, और जो क्लाइमेटिक इफेक्ट को हमसे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है जो ह्यूमिड एयर का जो मॉइस्चर हमारे यहाँ जो जैसे कुहासा बोलते हैं, फॉग बोलते हैं, फॉग के पीरियड में इसे लगेगा कि स्प्रिंकल टाइप का रेन हो रहा है, तो उस सर्फेस के बिल्डिंग के सर्फेस को धीरे धीरे पेनिट्रेट करते हैं, तो इस सब सारी चीजों से निजात पाने के लिए जो आज के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो शील्ड मैक्स है, यूनिवर्सल वाटर प्रूफ पुट्टी है, ये सबसे ज्यादा कारीगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें व्हाइट सीमेंट है, पॉलीमर्स है, और एडिटिव जिसे हमारे शील्ड मैक्स में एक्टिव SiH4 डाला गया है जो कि 100% वाटर रिप्लेंसी का काम करता है, सेल्फ क्यूरिंग का काम करता है, मतलब सिल्का टेट्राहाइड्रेट्स हाउ डज इट वर्क नीड फॉर जो हमारा जो सिल्का टेट्राहाइड्रेट्स है जो प्रोटेक्टिव शील्ड मैक्स विच डज नॉट अलाउ वाटर टू द परकुलेट इनसाइड एक्टिव सिल्का SiH4 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द सिल्का पार्टिकल जो सीमेंट में जो सिल्का पार्टिकल उसके साथ रिएक्ट करके जब सरफेस पर जैसे अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स डेवलप करके एक पर्दे बनाता है जो प्रोटेक्टिव लेयर जिसको कहते हैं जो बाहर के क्लाइमेटिक इफेक्ट को जो सरफेस पर अटैक करता है उसको कंट्रोल करता है, मतलब मीन्स की वाटर प्रूफिंग का काम करता है। नीड फॉर वाटर प्रूफ पुट्टी जब नॉर्मल पुट्टी मार्केट में था तो नीड क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा मकान का दोष होता है, कंस्ट्रक्शन का जो दोष होता है अगर गाइड नहीं किया जाए, बेटर क्वालिटी का अगर मटेरियल यूज नहीं किया जाए तो सॉल्यूशन ऑफ द डैम्पनेस डैम्प को रोकता है, कॉस्ट इफेक्टिव हेल्प द लेवलिंग द वॉल, वॉल को लेवल कर एंड लॉन्ग पेंट लाइफ। टेक्निकल पैरामीटर्स हमारे व्हाइटनेस मोर देन 95%, वाटर सीमेंट रेशियो जो वॉल पुट्टी में जो वाटर सीमेंट रेशियो जो डिसाइड है, हर सीमेंट के साथ वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है, फॉर गुड एप्लीकेशंस गुड एडहेशंस के लिए वाटर भी बहुत परसेंटेज में डालना, जो नॉर्मली जो वॉल पुट्टी है जो फिनिशिंग के आइटम के रूप में यूज किए जाते हैं 38-40% ही डिमांडेबल है फॉर गुड पेस्ट गुड वर्केबिलिटी के लिए। कॉस्ट नॉर्मली 5-6 रुपीज, जस्ट लाइक इसको हम लाइक टेस्ट समझने के लिए बच्चों को डाले हैं, वाटर प्रूफिंग टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिसिटी बीड टेस्ट हम लोग बोलते हैं इसको, जस्ट लाइक आपने ध्यान दिया होगा कि बरसात के दिनों में तालाबों में जो कमल का पत्ता रहता है उसमें वाटर ड्रॉप गिरता है, तो वाटर ड्रॉप ज्यों कहते हैं उस पत्ते पर बना रह जाता है, मीन्स कि पत्ते में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं रहता है, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है स्पेशली, तो उसी तरह से जो शील्ड मैक्स है जो ड्यू टू SiH4 जो केमिकल्स डाला गया है जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, तो हमारे वाशील्ड मैक्स जो है कमल के पत्ते टाइप का ही जो उस पर वाटर ड्रॉप डालेंगे तो ज्यों कहते हैं मतलब 100% वाटर प्रूफ वॉल पुट्टी है जो कि वाटर को कंट्रोल करता है भीतर एब्जॉर्ब होने से। एप्लीकेशन है तीसरा लेवल मैक्स, अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आइटम है जो हम इनसाइड आउटसाइड प्लास्टर सर्फेसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं या लाइक दैट हम डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्रे सीमेंट प्लास्टर जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक आइटम है, ग्रे सीमेंट ब्रिक सरफेस के ऊपर जो ब्रिक करने के बाद हम प्लास्टर करते हैं क्योंकि ब्रिक के पोरोसिटी को मिनिमाइज करने के लिए एक और चाहे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम प्लास्टर करते हैं 12-12 mm। तो सपोज कर नॉर्मली जो आज जो कन्वेंशनली जो मेथड है सीमेंट सैंड एंड मोर्टार बनाकर हम प्लास्टर करते हैं, नॉर्मली जो प्लास्टर जो करते हैं 12-15 mm दो लेयर में करते हैं क्योंकि तीन चीजें बहुत कैलकुलेट की जाती हैं जो कॉस्ट टाइम एंड लोड। तो वॉल पुट्टी जो हमारा जो लेवल मैक्स है भी कोरस वॉल पुट्टी है जो सरफेस में जो कंस्ट्रक्शन कई स्टेज में
कंप्लीट किए जाते हैं, बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो पेंट की स्टेज में आकर हम अंडुलेशन को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जहां सरफेस में अंडुलेशन ज्यादा है उस केस के लिए हम 5 to 6 mm पर हम एज ए मोटार कोट, एज ए वन कोट, एज ए लेवल मैक्स के रूप में हम अप्लाई कर सकते हैं। लेवल मैक्स जो सरफेस के अंडुलेशन को मिनिमाइज करता है, स्पेशली प्रोडक्ट का जो डिजाइन हुआ है, इट इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड ए बेस कोट प्लास्टर टू रिमूव अंडुलेशन ऑन द सरफेस प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ द वॉल पुट्टी। जो फाइन पुट्टी हम लगाएंगे उसके पहले सरफेस का अंडुलेशन को खत्म करने के लिए हम लेवल मैक्स का उपयोग करेंगे, क्योंकि फाइन पुट्टी में हम 1.5 mm जो फाइन पुट्टी की जो थिकनेस होती है, क्योंकि फाइन प्रोडक्ट है 1.5 से 2 mm से ज्यादा नहीं हम रखते हैं, रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि मटेरियल कंजम्पशन ज्यादा होगा। ये नहीं कि हम उसका मोटा कर दें तो हमें ताकत ज्यादा मिलेगा, बल्कि सरफेस के साथ उसका डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा। पेंट हमेशा थिन लेयर में किया जाता है, जस्ट लाइक पेंट के रूप में हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोट के रूप में यूज करते हैं। तो जो लेवल मैक्स है उससे भी हम सिंगल कोट के रूप में प्लास्टर यूज कर सकते हैं, जिससे हम सरफेस को एक्स्ट्रा एडिशन मिलता है, एक्स्ट्रा पावर मिलता है, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है, व्हाइट कॉन्क्रीट सरफेस मिलता है जो कि आगे के पेंट के लिए सुटेबल होता है, नो चॉकिंग और पिलिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंटर कोट एडहेशन, इसमें बेटर सारा भी टेक्निकल पैरामीटर जो ग्रे सीमेंट के रिस्पेक्ट में इसमें बेटर मिलता है। जस्ट लाइक आप आगे समझने के लिए देखेंगे, नॉर्मली इसका कॉस्ट आता है 12 से 13 रुपए स्क्वायर फीट। डेड लोड जो है पर क्यूबिक मीटर जो है ग्रे सीमेंट के प्लास्टर के रिस्पेक्ट में, अगर हम लेवल मैक्स का प्लास्टर का उसका हम डेड लोड निकालेंगे तो 500 से 600 केजी जो है पर क्यूबिक मीटर हम इसका वेट सेव करेंगे। जो बहुत अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम हाई राइज बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं तो हम बिल्डिंग को डेड लोड में पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेव कर सकते हैं, जबकि ग्रे सीमेंट के प्लास्टर में डेड लोड ज्यादा मिलता है। हमें बिल्डिंग पर लोड भी हम कंट्रोल करने में अपने को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो आज ये लाइट वेटेड प्रोडक्ट हैं, जो वैल्यू वेटेड प्रोडक्ट हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, लोड भी इसमें मिनिमाइज रहता है, लोड भी हम सेव कर सकते हैं और बिल्डिंग का साथ लाइफ इसका लॉन्ग लाइफ बना रहता है ड्यू टू क्लाइमेटिक इफेक्ट को रोकता है। जस्ट लाइक लाइट वेटेड एसीसी ब्लॉक्स को ऊपर कर सकते हैं आप, डायरेक्ट एसीसी ब्लॉक्स भी है, नॉर्मल ब्रिक्स के इस रिस्पेक्ट में लाइट वेटेड है। आज जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है, जो हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं, लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स ज्यादा उसमें यूज किया जाए, मतलब लेटेस्ट प्रोडक्ट जो लाइट वेटेड प्रोडक्ट है, जो सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, फ्लाई एश जो ब्रिक्स हैं उसमें लाइट वेटेड होते हैं, सुटेबल फॉर द एसीसी ब्लॉक्स। डायरेक्ट ब्रिक सरफेस के ऊपर भी प्लास्टर के रूप में कर सकते हैं। आप इस चीजों को ध्यान दें, रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्रे सीमेंट प्लास्टर। नॉर्मली जो ग्रे सीमेंट का प्लास्टर 12 से 15 mm थिकनेस में किया जाता है, 2 लेयर में करते हैं, उसके स्थान पर हम लेवल मैक्स जो व्हाइट सीमेंट पॉलीमर मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, हम 3 to 4 mm थिकनेस में कर सकते हैं। तो जहां पर हम थिकनेस में भी सहूलियत मिलेगा, लोड में भी सहूलियत मिलेगा, जो टेक्निकल पैरामीटर है, जो कंसेप्ट है, जो ब्रिक सरफेस या कॉन्क्रीट सरफेस को जो हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी देना है, जो पोरोसिटी को खत्म करना है, तो जो व्हाइट सीमेंट कॉन्क्रीट बेस्ड जो प्रोडक्ट है काफी सुटेबल हो रहे हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज काफी लाइक कर रही है और एक्सेप्ट कर रही है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी अप्रूव प्रोडक्ट। मीन शेयर करने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट आज मार्केट में अवेलेबल है एज ऑन डेट, कल इसमें भी चेंज होगा और भी लाइट वेटेड प्रोडक्ट आएंगे। इस आइटम को भी DSR में इनकॉर्पोरेट कराया गया है। चौथा प्रोडक्ट पेंट के लिए हमारा प्राइमेक्स है, जो सीमेंट बेस्ड है। नॉर्मली जो कन्वेंशनली जो कल्चर है, जो एक्रेलिक बेस्ड पोल प्राइमर मार्केट में अवेलेबल है, तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया जेके व्हाइट सीमेंट ने 3-4 साल पहले सीमेंट बेस्ड जो है प्राइमर मार्केट में लाई है, क्योंकि इको फ्रेंडली है और हमेशा सीमेंट के साथ सीमेंट का अटैचमेंट बेटर होता है, पोरोसिटी को ज्यादा सील करता है, बेटर बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। और सीमेंट के साथ अगर प्लास्टिक सटाएंगे तो नहीं सटेगा, उसमें कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जो कुछ संरक्षण के लिए काम कारगर होते हैं। तो टुडे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज चेंजिंग एट रैपिड रेस, रिक्वायरमेंट ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब इनहेंस बढ़ावा देता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने जेके प्राइमेक्स सीमेंट बेस्ड जो हाई क्वालिटी प्राइमर लाया है, जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में काफी वैल्यूएबल है, काफी स्ट्रेंथ है, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है और पेंट के लिए एक अच्छा बेस का काम करता है। मतलब सरफेस को पोरोसिटी को सबसे पहले हाइड करते हैं, इसमें पावर ज्यादा है। सरफेस के साथ इसके एडिशन केमिकली और मैकेनिकल दोनों बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि पॉलीमर भी बॉन्डिंग का काम करता है और व्हाइट सीमेंट भी बॉन्डिंग का काम करता है। प्रोटेक्ट द सब्सट्रेट बाय सीलिंग,
मेक द सरफेस लेस और गर्मेंट, जब उस पर हम पेंट करते हैं तो पेंट का कंजम्पशन उसमें कम होता है, क्योंकि इसमें व्हाइट सीमेंट और वॉल पुट्टी है, व्हाइट सीमेंट और पॉलीमर्स हैं जो कि जो सरफेस के पोरोसिटी में जाकर सेट हो जाते हैं, उसको सील करते हैं। नॉर्मली जो कन्वेंशनल जो एक्रेलिक प्राइमर है उसके ऊपर एक कोट बनाता है, सिंपल एक फिल्म बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, जो बाद में अगर बिल्डिंग में कोई हलचल होता है, हलचल मीन्स की जो अटैक होते हैं, तो जो क्लाइमेटिक अटैक मॉइस्चर अटैक को झेल नहीं पाता है, कम आउट फ्रॉम द सरफेस। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जिसमें हमारा 95 पॉइंट व्हाइटनेस है, मोर देन 95% फाइननेस, 5100 cm स्क्वायर पर ग्राम, बल्क डेंसिटी, विस्कोसिटी जो कि फ्लूडिटी से मतलब है, क्योंकि ब्रशेबल, पॉट लाइफ 3 घंटे तक आसानी से इसको मिक्स करके हम सरफेस पर यूज कर सकते हैं, बाहर भीतर एज ए पेंट यूज कर सकते हैं। कवरेज क्योंकि फाइन प्रोडक्ट है, माइक्रोन में इसका थिकनेस आता है, तो इसे 101 kg में 100 square feet का मिनिमम कवरेज आता है। एडिशन क्रॉस कट ऑन द टू कोट्स एप्लीकेशन आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स अगर उस पेंट को कट करते हैं तो उसमें एडिशन नहीं हो पाता है, कट मिनिमम 1-2% ही चांस आता है कि खरोच के रूप में उभर कर आए, मतलब इस प्रोडक्ट में इतना एडिशन पावर है। कॉस्ट 3 to 3.5 rupees पर स्क्वायर, नॉर्मली प्राइवेट गवर्नमेंट बाहर भीतर सर्फेसेस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल में अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट सीमेंटिशियस सर्फेसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस हैं जस्ट लाइक मैंने एक फिगर डाला है जस्ट बच्चों को समझने के लिए प्रैक्टिकली, जो कन्वेंशनल जो प्राइमर है, जो एक्रेलिक बेस्ड प्राइमर है, इस दीवार पर अप्लाई किया गया है, ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर या कार्बन अटैक के चलते, जो हवा के चलते एक्चुअली एक्सेस मॉइस्चर चलते हैं, तो एक्रेलिक बेस्ड प्राइमर होते हैं जो फिल्म को बनाए रहे ऊपर से, क्योंकि उसके पोर्स तो भीतर सील नहीं रहते हैं, तो उसमें एयर गैप लेकर बाहर की तरफ कम आउट फ्रॉम द सरफेस के साथ उसका डिटैचमेंट, मीन्स की जो बॉन्डिंग एजेंट्स हैं, जो सरफेस जो सीमेंटिशियस सरफेस और इसके बीच के जो बॉन्डिंग है, वीक हो जाते हैं जो ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर चलते। सीमेंट बेस्ड प्राइमर अगर रहेगा तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, सरफेस में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो पेंट का कवरेज नहीं मिलेगा, पपड़ी बनकर पेंट उखड़ने लगेगा, तो पुअर क्वालिटी के प्राइमर्स में इस तरह का अक्सर दिखाई देता है, एक्रेलिक बेस्ड प्राइमर में अक्सर इस तरह की समस्याएं आती हैं, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉट्स है, क्योंकि मकान बनने में काफी पैसा लगता है, समय लगता है, अगर कस्टमर को उसका पर्पस नहीं फुलफिल होता है तो बहुत सारे अफसोस होते हैं, या टेक्निकली अपने को आदमी जस्टिफाइड नहीं कर पाता है कि हमने अच्छा प्रोडक्ट लगाया, अच्छा मकान बनाया। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है कि समाधान के लिए जेके ने सीमेंट बेस्ड प्राइमर बनाया है। जनरली एक्रेलिक प्राइमर्स में ड्यू टू एक्सेस एयर पुशेस द फिल्म वाटर वेपर, एक्सेस सरफेस में मॉइस्चर है, टेम्परेचर 2048 है, 35 है, तो जो गर्मी वाफ बन के बाहर निकलते हैं तो सीमेंट की तो एक जो सरफेस को टोटली सील कर देता था, कहीं ना कहीं क्रैक्स के रूप में, कहीं ना कहीं इंक्रीज इन द वॉल्यूम के रूप में सरफेस पर दिखाई देते हैं, भाप तो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ निकलेगा ही। तो इस तरह के केसेस के समाधान के लिए हमारी कंपनी ने जेके प्राइमेक्स एज ए प्राइमर कोट के रूप में, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक आइटम है, जो आज काफी चल रहा है, जो आज की जरूरत है इस तरह के समस्याओं से निजात पाने के लिए, सीमेंट बेस्ड प्राइमर सबसे सूटेबल है, इको फ्रेंडली है, इजी टू हैंडलिंग है, इजी टू मिक्स है, इजी टू अप्लाई है। नॉर्मली जो एक्रेलिक बेस्ड प्राइमर हैं वो ड्राई सरफेस पर ही अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन जो सीमेंट बेस्ड प्राइमर हैं, जो अगर सरफेस इमैच्योर्ड है, मीन्स की अगर थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, तो उस केसेस में हम सीमेंट बेस्ड प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। टाइल्स मैक्स, पेंट के बाद फ्लोर, घरों में फ्लोर का काम किया जाता है, जिसमें बाथरूम का फ्लोर हो, अपने रूम का फ्लोर हो, किचन का फ्लोर हो, वर्टिकल वॉल्स में टाइल्स लगाया जाता है, तो टाइल्स के भी फील्ड में हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं, पर्पस क्या है, टाइल्स एडहेसिव एंड टाइल ग्राउट। टाइल्स एडहेसिव का मेन पर्पस है कि टाइल्स के बॉटम में टाइल्स को पकड़ने के लिए हम टाइल्स एडहेसिव यूज करते हैं, और दो टाइल्स के ज्वाइंट को फिल करने के लिए हम टाइल्स ग्राउट का यूज करते हैं। पर्पस सही है, जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है जो आज हम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आने के चलते बहुत सारे माहौल चेंज हुए हैं, सब सारे प्रोडक्ट आज लग रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन जो कन्वेंशनल मेरा तरीका था, सीमेंट और फाइन एग्रीगेट मिलाकर उसको मोर्टार बनाते थे, फ्लोर के ऊपर हम उसको लेकर के लेवल करते हैं, टाइल्स के लिए बेस लेवल रहेगा तभी टाइल्स उस पर
अपना स्ट्रेंथ बना पाएगा, नहीं तो ब्रेक कर जाता है अनइवन सरफेस पर, टाइल्स और मार्बल ब्रेक कर जाते हैं। टाइल्स और मार्बल का ड्यूरेबिलिटी तभी है जब उसका बेस लेवल में हो। तो बेस को लेवल करने के लिए मोटार जो कन्वेंशनल तरीका है सीमेंट मोटार, सीमेंट की एक अपनी प्रॉपर्टी है कि जब उसमें वाटर मिक्स करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। जब टाइल्स उस पर ले कर देते हैं और ज्वाइंट्स को सील कर देते हैं तो हम सही तरीके से उसको क्यूरिंग नहीं कर पाते हैं। सीमेंट को क्यूरिंग नहीं करिएगा कुछ दिनों तक तो सही तरह से जो उसकी प्रॉपर्टी है हार्डनिंग से सेटिंग तक वो कंप्लीट नहीं कर पाता है सीमेंट। ये सारी समस्या तो क्या होता है जब क्यूरिंग नहीं होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा तो सर्फेस में क्या होगा कहीं ना कहीं क्रैक्स बन के सीमेंट का नेचर होता है, क्रैक्स बन के बाहर मतलब कम आउट फ्रॉम द आउटसाइड एरिया में उसका प्रेशर आएगा। उस केसेस में जो कन्वेंशनल जो तरीके हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है टाइल्स और फ्लोर के ऊपर देते थे जो जो एक स्पॉट के रूप में, तो आज उस चीज को डेवलप करके जो जेके कंपनी ने टाइल्स मैक्स टाइल्स एडेसिव जो बनाया है जिसमें सीमेंट भी है और पॉलीमर भी है दोनों बॉन्डिंग का काम करते हैं और नो क्यूरिंग रिक्वायर्ड, अप्लाई करने के बाद किसी तरह की क्यूरिंग नहीं करनी पड़ती है जिसके चलते टाइल्स जो है लंबे समय तक अपना लॉन्ग लाइफ सर्विस देते रहता है और सरफेस को मॉइस्चर फ्री रहता है। मॉइस्चर ही बिल्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, नमी सबसे बड़ा बिल्डिंग का दुश्मन है उस कैटेगरी में उसके तुलना में जो जो पॉलीमर मॉडिफाइड जो एडेसिव हैं वो काफ़ी कारगर होते हैं। लॉन्ग हाई बॉन्डिंग एजेंट उसमें डाले गए हैं जो सरफेस के साथ उसका अटैचमेंट जो एडहेशंस जो है बेटर मिलता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल जो तरीके हैं सीमेंट मोटर के रिस्पेक्ट में, और सरफेस को सेफ रखता है फ्लोर को सेफ रखता है जिसके चलते यूजर्स को काफ़ी फायदे मिलते हैं। टाइल्स ग्राउट जो टाइल्स के बीच के जो ज्वाइंट्स होते हैं अगर हम सीमेंट से करेंगे तो स्वाभाविक है उसमें कुछ दिनों के बाद क्रैक्स डेवलप होते हैं जो क्रैक्स में एक्सेस मॉइस्चर इनसाइड इन करते हैं, तो उस चीज़ों से निजात पाने के लिए टाइल्स ग्राउट जिसमें दो तरह के टाइल्स ग्राउट हैं सीमेंट बेस्ड ग्राउट हैं रेजिन बेस्ड हैं, दोनों ही पाउडर फॉर्म है, दोनों में हाई बाउंडिंग प्रॉपर्टी डाला गया है। अप्लाई करने के बाद चाहे फ्लोर में चाहे वॉल में या ज्वाइंट को फिल करने के बाद नो क्यूरिंग रिक्वायर्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द टाइल्स एप्लीकेशन सर, जिसके चलते हमें परमानेंट बॉन्डिंग मिलती है, फ्लोर हमारा मॉइस्चर फ्री रहता है, दीवार सेफ रहता है। अपने अपने घरों में आप रीड करेंगे तो दिखाई देता है चीजों को ध्यान रखकर टाइल्स मार्केट में न्यू वैल्यूएटेड प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया गया जो कि आज के कंस्ट्रक्शन के लिए काफी वैल्यूएबल है, एसओ अप्रूव्ड है। इस चीज को ध्यान दें जस्ट लाइक उसी का एक एप्लीकेशन पार्ट है नेचुरल। फ्लोर के केसेस में एंड वॉल के केसेस में जब हम टाइल्स अप्लाई करते हैं तो जो इसके बॉटम में जो हम टाइल्स ग्राउट कर जो टाइल्स एडेसिव यूज करेंगे और टाइल्स के ज्वाइंट को भरने के लिए हम ग्राउट यूज करेंगे जिसके चलते हमारा सरफेस टोटली टाइट हो जाता है, वाटर टाइट हो जाता है। इन फ्यूचर किसी तरह का प्रॉब्लम आने का चांसेस कम रहता है। जो कन्वेंशनली जो तरीके हैं उसमें क्रैक्स आते हैं जो हाइड्रेशन की सर्विसिंग नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत तरह के प्रॉब्लम दिखाई देते थे जो आज इससे हम उसका समाधान के रूप में ये प्रोडक्ट जो मार्केट में लाया गया आफ्टर एप्लीकेशन नो क्यूरिंग अपना सारा प्रॉपर्टी अपना गेन कर लेता है और सरफेस को टाइट रखता है चाहे वो फ्लोर के हों या वॉल के केसेस में हों, स्पेशली जहां केमिकल अटैक ज्यादा होते हैं जो बाथरूम में वर्टिकल वॉल में या किचन वगैरह में जो खाना के चलते जो गैस निकलते हैं उस चीजों में भी हम इसमें ग्राउट्स में रेजिन ग्राउट जो हाई डेंसिटी हाई पॉलीमर्स मतलब हाई बॉन्डिंग एजेंट वाला हम ग्राउट यूज करते हैं। आप आगे पढ़ने पर साफ चीजें पता चलेगा पॉलीमर जिप्सोमैक्स एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, आज भी इस प्रोडक्ट का वैल्यू काफी इसका बेनिफिट ज्यादा है। आज नर्सिंग होम्स में जो थर्मल रेजिस्टेंस सरफेस प्रोवाइड करता है, सेफ वाटर एंड टाइम, स्मूथ प्लास्टर फिनिश, नो श्रिंकेज, मल्टीपर्पज एप्लीकेशन, नो क्यूरिंग रिक्वायर्ड, सर्फेस को डेजिंग व्हाइटनेस, हाई ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ, फास्ट प्लास्टरिंग वर्क, मीन्स किसको हम इनसाइड सरफेसेस पर एज ए प्लास्टर यूज करेंगे या डेकोरेटिव आइटम है जैसे फॉल सेलिंग वगैरह होटल में हॉस्पिटल्स में या अपने अपने घरों में जो फॉल सेलिंग का ऊपर में हम करते हैं उस पर्पज से भी हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जस्ट लाइक इसमें भी जेके ने अपना तीन तरह का प्रोडक्ट लाई है। जिप्सोमैक्स इज सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनल सबस्ट्रेट्स इंक्लूडिंग ACC ब्लॉक्स, RCC कॉन्क्रीट, वेरियस अदर टाइप ऑफ द ब्लॉक एंड ब्रिक्स, जो डायरेक्ट ब्रिक्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, RCC ब्लॉक्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, ACC ब्लॉक्स के ऊपर भी अप्लाई इंक्लूडिंग कॉन्क्रीट के ऊपर भी, जो कि मोस्ट लाइफ देता है, सरफेस में थर्मल रेजिस्टेंस है, नो श्रिंकेज क्रैक्स,
वन गुड प्लास्टर्स कंपेयर टू प्लास्टर के रिस्पेक्ट में कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लाइट वेटेड है, डेड लोड भी कंट्रोल करेंगे, साथ साथ फिनिशिंग बेटर आता है, लेकिन इसे हम एक्सटीरियर सर्फेसेस में हम नहीं अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का वाटर प्रूफिंग मटेरियल नहीं है। जैसे इसमें मॉइस्चर आएगा सरफेस के साथ फूलने लगेगा और बाहर कम आउट फ्रॉम द सरफेस डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। तो जनरली जो है हम इनसाइड सरफेसेस पर हम यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को, जो स्पेशली नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, फॉल सीलिंग के केस में इसे अप्लाई किया जाता है, डेकोरेटिव आइटम है। बॉन्ड मैक्स जो लास्ट प्रोडक्ट एवरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आइटम है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के कमियां नहीं बोलनी चाहिए, जो समय के साथ जो परिवर्तन आया, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट जो मार्केट में आए हैं, जो हमें कन्वेंशनल प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में काफी बेनिफिट्स मिल रहा है, काफी सहयोग मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन के गति को इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, लाइफ ज्यादा मिल रहा है बिल्डिंग को, तो ये सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए ये प्रोडक्ट जो है बॉन्ड मैक्स, इसका मेन पर्पस है बॉन्डिंग एजेंट का काम करता है, दो सीमेंटेशियस सर्फेसेस के बीच में बॉन्डिंग का काम करता है। मीन्स कि सपोज करें कि आप कॉलम अगर डायरेक्ट प्लास्टर करना है तो हमें चिपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जब तक पोरोसिटी नहीं रहेगा, हम उस अटैचमेंट नहीं हो पाएगा, तो उस केसेस में हम इस पेस्ट को अप्लाई करके, इस घोल को अप्लाई करके हम प्लास्टर का वर्क कर सकते हैं। सीलिंग के केस में विदाउट चिपिंग हम प्लास्टर कर सकते हैं इस बॉन्ड मैक्स को अप्लाई करके, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम सेविंग है एंड बेटर बॉन्डिंग प्रोवाइड, मतलब दो सीमेंटेशियस सर्फेसेस के बीच में हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं फॉर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के लिए। कॉस्ट नॉर्मली 3-3.5 रुपए पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आता है। वैसे डीपली नॉलेज जब हमारे बच्चे जब फील्ड में जब प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट शेयर करने का मेन पर्पस था कि बिल्डिंग मटेरियल की एज ऑन डेट जानकारी होनी चाहिए कि आज की डेट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या लेटेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो जो भी मैंने शेयर किया वो पेंटिंग का आइटम था, फिनिशिंग आइटम था। तो आज मार्केट में जो फिनिशिंग के आइटम जो अवेलेबल है, जिसमें पीओपी है, वॉल पुट्टी है, लेवल मैक्स है, प्राइमर है, दिस टाइप ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द फिनिशिंग ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें जानकारियां होनी चाहिए क्या उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्या उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, क्या उसका डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोडक्ट का वैल्यू है। जस्ट लाइक बच्चे कल इंजीनियर बनेंगे तो हमें बहुत सारे रोल्स को याद रखना पड़ेगा, हमें बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को फॉर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। तो पहला लास्ट और फर्स्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर, सिविल इंजीनियर शुड बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, दिस शुड बी कमिटेड टू एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, क्यूरियस हैबिट होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूड लर्निंग, फ्रेश अप्रोचेज, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एक बहुत बड़ा उसका पार्ट है, टेलिंग द ट्रूथ एंड कीपिंग वन वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक टू फेस द चैलेंजेज एंड सेटबैक, कमिटमेंट, प्लानिंग, persistence, flexibility and teamwork, self-discipline in keeping with the public health, अपने भी और public health को भी ध्यान में रखकर, safety है, welfare implication for the most engineering project and the high degree of interdependence within the project team and between the team and the their stakeholder. कुछ quality assurance हैं जो कि हर engineer को as a engineer, as a consultant, as a अगर कस्टमर्स को बात बताने के लिए या गाइड करने के लिए अपने सुपरविजन्स में वर्क जब चल रहा है तो कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, मॉनिटर करने की जरूरत, गुड इस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि गुड क्वालिटी इंश्योरेंस जो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का बेस्ट पार्ट होता है। कुछ बैड क्वालिटी इंश्योरेंस होते हैं जो हम नहीं, लैक ऑफ जैसे नॉलेज हुआ, पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज हुआ, जो कि हम नहीं ध्यान देंगे तो हमको उसमें बहुत सारी परेशानियों को झेलनी पड़ती है। तो प्रॉपर एग्रीगेट्स है, सीमेंट है, वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन होना चाहिए जो कि एज पर डिजाइन होना चाहिए, एज पर मिक्स डिजाइन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, प्रॉपर मिक्सिंग टाइम एंड आरपीएम ऑफ द मशीन, प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट सही समय पर प्लेस हो जाना चाहिए, बार कवर ब्लॉक शटरिंग अलाइनमेंट गैप टाइप ऑफ द शटरिंग बहुत ही केयरफुली ध्यान देने की जरूरत होती है कंस्ट्रक्शन के दौरान। वाइब्रेटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि प्लेन वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर, टू मच वाइब्रेटर्स भी बहुत हानिकारक है।
डिशटरिंग का स्टेज भी टाइम के साथ उसको डिशटर करके स्ट्रक्चर को हम ओपन फ्री करते हैं। उसके बाद फिनिशिंग का स्टेज आता है, उस फिनिशिंग के स्टेज में वॉल पुट्टी प्राइमर और पेंट जो है हमें मार्केट में अवेलेबल है। हमें एज इंजीनियर डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लेटेस्ट प्रोडक्ट, उसके वैल्यू को, उसके यूएसपी को, तो सारे चीजों को मिलाकर, क्योंकि मैंने जेके का एम्प्लॉय हूँ या जेके का मैं इंजीनियर हूँ, जस्ट इंजीनियर फर्स्ट हूँ, उसके बाद मैं जेके का एम्प्लॉय हूँ, उस तरह से जो जेके के प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, जो फिनिशिंग के रूप में है, जैसे वॉल पुट्टी है, प्राइमर है, पेंट्स हैं, पीओपी हैं, काफी जानकारी अपनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, प्रोसेस जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और मैं ट्रेनिंग यहाँ तक प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करके हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डेमोंस्ट्रेट करते हैं, हाउ टू करें, हाउ टू अप्लाई, वेयर अप्लाई, वेयर अप्लाई, सारी जो हम लोग जानकारी देते हैं। धन्यवाद अगर आपको कोई क्वेश्चन जरूर अपनी बात को रखे। मिस्टर राजीव, हेलो, हेलो राजीव, इफ एनी क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट साइज यू कैन शेयर और इन चैट बॉक्स एंड सर गिव आंसर। हां जी सर, एक्चुअली सर साउंड क्लियर नहीं आ पा रही है। हेलो जी जी, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक जो मीट है उनका कुछ मिल जाए, जो क्वेरी होगी संतोष का जरूर उसको कंप्लीट कर दूंगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। नाउ देयर विल बी क्वेश्चन आंसर सेशंस। सिद्धार्थ, यू हैव टू शेयर questions in chat box, if any participant. कोई भी questions हो presentation से regarding product के application के regarding, तो आप लोग raise करिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको clear कर सके। जी सर, जी सर। राजीव, हाँ क्वेश्चंस, हाँ आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए या फिर बोलिए। चैट बॉक्स में से शेयर करना, सर एक मिनट सर, अभी क्वेश्चन आ कहाँ रहा है उसे यूट्यूब से, एक मिनट सर, अभी चैट बॉक्स में आपसे क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वेश्चन है सिद्धार्थ, बंद हो गया, बोलो जो भी क्वेश्चन डालेंगे चैट बॉक्स में उसको रीड कर लो, तो देख लो, देख लो, देखता रहो थोड़ा सा। चैट बॉक्स हमने भी खोल रखा है, कोई क्वेश्चन हो तो
तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा इसमें. There is one question from my side, sir. Sir, basically we have to generally use OPC cement most of the cases in plaster work and means floor finishing and wall finishing generally. Mm-hmm. But sir, what is the major advantage of white cement? Can you use this white cement in place of gray cement, sir? Yes, we can use, but it will be the very expensive. ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि जैसा कि आप नॉर्मली देखें ग्रे सीमेंट आपको 50 केजी 400 के अराउंड मिल जाता है, बट आप ग्रे वाइट सीमेंट लेंगे तो ये आपको मोर देन डबल, ये आपको 900 टू 1000 में 50 केजी मिलेगा. तो फर्स्टली तो आपका वो एक्सपेंसिव हो गया आपका परचेज, सेकेंडली इसको करने के लिए हाई स्किल लेबर चाहिए. जी सर, जी सर. और इसमें क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है तो इसमें क्यूरिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, नहीं तो श्रिंकेज क्रैक हो जाएगा सारा. तो हम लोग प्लास्टर में यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको हम लोग कॉन्क्रीट में, व्हाइट सीमेंट कॉन्क्रीट में यूज हुआ है और हो रहा है. सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके व्हाइट सीमेंट कॉन्क्रीट का, आप लोग लोटस टेम्पल देखे होंगे सब लोग. जी सर. वो टोटली व्हाइट सीमेंट से बना हुआ है, व्हाइट सीमेंट कॉन्क्रीट है वो. व्हाइट सीमेंट कॉन्क्रीट, ओके सर. टोटली व्हाइट सीमेंट कॉन्क्रीट है. Myself, Navin Kumar, guest assistant professor, GEC by Salu. I have one doubt. Just you told white cement concrete. May I know that what is the difference between the strength of white cement concrete and grey cement concrete in regarding to the strength? It will be 2 to 2.5 times more strength in white cement. I have one question from my side, sir. Okay. When sir, जब क्या जब हम मतलब बाहर के बाल को जब हम प्लास्टर क्या व्हाइटनिंग करेंगे व्हाइट सीमेंट का यूज करके, तो जैसा कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो भी जेके व्हाइट सीमेंट का, तो क्या मतलब कहने का मतलब है कि कुछ इस टाइप का मटेरियल हो सकता है कि जिसमें मतलब जो है कहीं कहीं देखते हैं कि इफ्लुएंस ज्यादा हो जाता है जैसे टाइम टू टाइम वो आउटर साइड वाल का, तो कुछ इसका अल्टरनेटिव है इसके रिमूवल के लिए? क्या स्ट्रेन आ जाता है ना वॉल पे? हाँ यस हाँ सर. देखिए, अगर सिर्फ आप व्हाइट सीमेंट से करेंगे तो व्हाइट सीमेंट पे स्ट्रेन आता ही आता है, बट अगर आप उस पर पॉलीमर बेस्ड व्हाइट सीमेंट और पॉलीमर बेस्ड प्राइमर लगाएंगे तो आपका जो स्ट्रेन है वो बिल्कुल काफी टाइम तक उसको होल्ड किया जा सकता है. जैसे कि जेके का अपना एक प्रोडक्ट है जेके प्राइमेक्स, ये इंडिया में पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो व्हाइट सीमेंट बेस्ड प्राइमर है. ये व्हाइट सीमेंट से नहीं, इट्स नॉट, ये कॉस्टली नहीं है. आप अगर व्हाइट सीमेंट, हाँ व्हाइट सीमेंट अगर आप, हाँ कॉस्टली इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग क्या जनरली देखते हैं क्वांटिटी से किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग एनालाइज करते हैं कि सस्ता है कि महंगा है, बट हमें क्वांटिटी के साथ साथ उसके माइलेज को भी देखना चाहिए कि ये इस काम में कौन सा प्रोडक्ट कितना लगेगा. तो व्हाइट सीमेंट जितना व्हाइट सीमेंट 50 केजी में वो काम करेगा उतना में ये आपको 10 टू 15 केजी सफिशिएंट होता है. जी सर, thickness of this white cement basically two times than ordinary cement, sir. In PPT we have to say that their thickness of ordinary or grey cement is approximately I think 2000 centimeter square per gram, but for white cement approximately thickness 3000 to 4000 is there. That's why it covers more area. Yes, and, correct sir. Yes, sir. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमर ना, तो अभी प्राइमर में क्या है, वही व्हाइट सीमेंट में और भी हमने हाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी के पॉलीमर्स को मिक्स करके फिलर्स डाले हुए हैं, जिससे क्या होता है व्हाइट सीमेंट से करते हैं तो व्हाइट तो सरफेस हो जाता है बट उसके जो माइनर बहुत ही हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं वो फिल नहीं होते कभी भी. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फिलर चाहिए होता है, तो फिलर प्राइमर में डाला होता है जो कि वो जाके उसमें फिल हो जाता है. आप देखते होंगे कि कई बार कितना भी अच्छा पेंट कर लो उसके बाहर जब धूप जाती है उसके ऊपर तो आपको दिखेगा कि उसमें हेयरलाइन क्रैक, यस क्रैक्स, हाँ हेयरलाइन क्रैक्स, बहुत गंदा दिखता है ना. यस यस हाँ, तो उसमें वो तभी होता है कि उसमें अगर आपने फिलर्स वाले
फिलर्स वाले जो प्राइमर है वो नहीं डाले हैं आपने, तो जेके का जो प्राइमर से अगर आप उसमें टू कोट कर देते हैं तो 200% आपका जो क्रैक्स नहीं दिखेगा, उसके बाद आप कोई भी पेंट कर लीजिए। हाँ, स्ट्रेन की बात आई तो आप अच्छा प्राइमर यूज कीजिए, अच्छा पेंट यूज कीजिए। आजकल तो डस्ट फ्री पेंट वगैरह आ गया है, जो डस्ट को जैसा बोलते हैं कि डस्ट भी नहीं उस पर रुकता है, तो अच्छा पेंट यूज कीजिए, स्ट्रेन नहीं आएगा। लेकिन पेंट के साथ साथ हमें प्राइमर भी अच्छा यूज करना है। थैंक यू सर। वेलकम सर। चैट बॉक्स में सर क्वेश्चन डाल रहे हैं। मैं कर रहा हूँ उसको। राजीव जी ने पूछा है कि जेके सीमेंट कैसे ज्वाइन करेंगे डिग्री के बाद। सर उसके लिए फ्रेशर हम लोग जीईटी को कंपनी अपॉइंट नहीं करती है, पहले कंस्ट्रक्शन में या किसी और फील्ड में ज्वाइन करना काम करना होता है, फिर उसका बाकी इसका डिपार्टमेंट अलग है, वो उसका पार्ट नहीं है, अलग उसमें डिस्कशन होगी। राजीव जी का एक और क्वेश्चन है कि वॉल पुट्टी करने के लिए वॉल का प्लास्टर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए या रफ होना चाहिए। देखिए, जितना स्मूथ होगा आपका जो पुट्टी का कंजम्पशन होगा वो बहुत कम होगा। सिंपल सी बात है, कोई सरफेस अगर रफ है तो उस पर अगर हम पुट्टी का एप्लीकेशन करेंगे तो ज्यादा उसमें पोर्स ज्यादा होंगे ना, तो पुट्टी आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। तो हमें बिल्कुल जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना आपका पुट्टी का कंजम्पशन अच्छा होगा और कवरिंग इकोनॉमिकल होगा और उसमें फिनिश बहुत अच्छी आएगी। तो प्रेफर करते हैं हम लोग कि स्मूथ सरफेस मिले। जी, और इसमें एक क्वेश्चन और आपका, सीमेंट व्हाइट सीमेंट मेकिंग बिल्डिंग बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा और हाई स्किल लेबर चाहिए। जी सर। जी सर। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट साइड? राजीव, एक क्वेश्चन सर डाल दो, एक क्वेश्चन डाल दो। या करेक्ट, क्वेश्चन अच्छा है। सर ने पूछा है कि अगर एक्सपायरी इसकी क्रॉस कर जाती है तो इसको रिएक्टिवेट केमिकल कंपोजिशन इसमें क्या आगे होता है। देखिए, जो एज पर BIS जो नॉर्म्स है, जो किसी भी सीमेंट को मैन्युफैक्चरर को अप्रूवल देता है कि आपका सीमेंट या किस ग्रेड का है, कैसे अप्रूवल, उसके अकॉर्डिंग अप टू 90 days वो सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं करता है। बट जैसे जैसा टाइम स्पेंड होता है आप उसकी स्ट्रेंथ कम होते जाती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 90 डेज के बाद हमारा सीमेंट खराब ही हो, यूज करने लायक नहीं हो। डिपेंड करता है कि वो रखा कैसे गया है। हो सकता है आपने अगर अच्छे से नहीं रखा है तो 90 डेज या 30 डेज में वो सीमेंट में लम्स आ जाए, वो अपनी स्ट्रेंथ कम हो जाए। बट अगर उसको हमको फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम एयर अगर हम पैक रखेंगे तो मोर देन 90 डेज के बाद भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बट उसकी फिजिकल कंडीशन देख के हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। अगर उसमें कोई लम्स नहीं है तो आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर। एनी मोर क्वेश्चन? सिद्धार्थ, ओके सर, थैंक यू सर, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल स्पीच ऑन व्हाइट सीमेंट सर। एंड नाउ आई वुड लाइक टू शेयर सर वोट ऑफ थैंक्स टू आवर गेस्ट मिस्टर रामेश्वर सिंह सर एंड मिस्टर प्रशांत सिंह सर, हु हैज स्पेयर हिज प्रीशियस टाइम फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड शेयर ऑन एक्सपीरियंस विद आवर स्टूडेंट्स। Sir, I believe our students and participants got benefit and got experience from what is the use of white cement and what is the differences between gray cement and white cement and what are multiple applications of white cement and where we have to use and in what is the benefit of this cement, what is the cost cutting and quality controls. We can control the quality and we can provide from weather effect, climatic conditions, and use it in engineering life to our students. And thank you once again, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, one next question, sir.
Sir, one question. What is side effect of white cement, sir? What is? Side effect. There is no side effect of white cement. Any no, sir? No. It's all the have the same the physical properties or same the side effects or same the effects like the gray cement. Only the color is white and strength is much more than gray cement. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. I would like to invite to in next time, sir. Please give me time to our students. Sure, sir. No, I would like to thanks to our respected principal sir for his wonderful motivations, and I am also thankful to our faculty members who participate and dear students and participants and our student coordinators Mr. Rajiv Kumar and Mr. Siddharth Kumar, who has worked day and night to make this webinar successful. And last but not the least, I am thankful to the participant who had kept patience in this webinar, and they seriously joined this webinar and got some knowledge and experience from this webinar. I hope he or she can use this experience in our life and engineering life. And so with all this such wonderful experience, I conclude this session, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.